यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे हैं सब लोग सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीबीपी का रिवीजन और पीजीबीपी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है तो इसका रिवीजन है वो आज अपन करने वाले हैं तो पीजीबीपी में सबसे पहली सेक्शन होती है दैट इज द सेक्शन 28 एट दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन ये सेक्शन ये बताती है कि कौन कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी हेड में आती है इसके कुछ क्लॉजेस है पहला क्लॉज ये बोलता है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बायस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी मैं जो भी तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन होता है आप साल में किसी भी टाइम करते हो जो भी इनकम होगी दैट विल भी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अब एक चीज समझना अगर आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको कोई कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिलता है और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस अगर आप बेच देते हैं और उससे जो पैसा आता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी तो मैंने क्या बोला एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में अगर आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया या कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट मिला या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस था उसको आपने सेल कर दिया उसका जो पैसा आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अब एक चीज समझना पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलता है कमीशन मिलता है बोनस मिलता है इवन इंटरेस्ट मिलता है इवन इंटरेस्ट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टैक्सेबल अंडर द हेड हेड पीजीबीपी पीजीबीपी वो PGBP में हो जाएगा तो देखो आपको ध्यान रखना का पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है सैलरी कमीशन बोनस इवन इंटरेस्ट दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है परक्यूज मिलता है बेनिफिट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है एम्प्लॉयर को हेड दीजीबीपी एक चीज समझना के लिए जो भी करते है, 37, वो है लेकिन पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी सम होता है अब एक समझना, वो मैच्योरिटी सम अगर मान लो एम्प्लॉयर को मिलता है बिजनेसमैन को मिलता है अगर वो एम्प्लॉय को मिलता है और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और अगर ये पैसा मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर

अब एक और चीज समझना अगर आपका कोई भी स्टॉक इन ट्रेड था वो स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हो तो स्टॉक इन ट्रेड को जैसे ही आपने कैपिटल अट में कन्वर्ट किया कन्वर्जन की डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी पीजीबीपी वो PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा आप मुझे बोलोगे सर फेयर मार्केट वैल्यू पीजीबीपी में जाएगा आंसर इज यस फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि एक बात बताओ जो परचेज प्राइस है या ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका होगा परचेज हो तो इस साल के परचे में आया होगा अगर पहले से वो स्टॉक आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आया होगा तो जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इन टू कैपिटल असर दैट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबी वो तुम्हारे पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक चीज समझना एक पहले स्कीम हुआ करती थी दैट इज द डीपीबी एंड डीएफआरसी ड्यूटी एक्जन पासबुक एंड ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट ये आजकल होते नहीं है इसको खत्म कर दिया गया है ये डीपीबी डीएफआरसी क्या होता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक की जगह अगर आपने डीपीबी या डीएफआरसी ले लिया और वो डीपीबी डीएफआरसी को अगर आप बेच देते हो उससे जो पैसा मिलता है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद में एक चीज समझना अगर मान लो कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन होता है और टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन की वजह से आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है दैट इज अंडर द हेड पीजीबीपी वो आपके लिए पीजीबीपी हेड है बाय टैक्सेबल हो जाएगा तो क्या बोला मैंने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन हुआ दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन अब एक और चीज समझना आपके हमेशा बिजनेस में

दियारियल तो स्टॉक अगर कोई भी और हैजिंग कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल स्टॉक एंड शेयर तो दैट इज नॉट ट्रीटेड स्पेटिव या फिर अगर आपने कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट किया दट इज नॉट स्पेक्युलेटिव या फिर आपने ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स करते हो

सिंपल वर्ड मैं आपको बता दू इधर देखो चार तरीके के ट्रांजेक्शन ऐसे है जो आपको लगेंगे स्पेकुलेटिव बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव कौन सा सबसे पहला अगर आपका हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा तुम्हारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तीसरा तुम्हारा डेरिवेटिव इन द लाइक जो डेरिवेटिव में आप ट्रेड करते हो एफ करो में थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब बी एस सी एन एस सी या फिर अगर आपका कमोडेट डेरेवेटिव में ट्रेड करते हो तो उस केस में इट इज नॉट ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस उसके बाद में एक चीज समझना सेक्शन ट्वेंटी नाइन यह बोलती है कि पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालेंगे ये सेक्शन सिर्फ इतना बोलती है आप एक काम करो सेक्शन थर्टी से फोर्टी थ्री डी को फॉलो कर दो आपके पास पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा उसके बाद सेक्शन थर्टी ये बोलती है भैया 30 से 37 हम ये सीखेंगे पीजीबीपी के के डेबिट में, के डेबिट में में कौन-कौन से खर्चे अलाउ होते हैं तो कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं सबसे पहला सेक्शन 30 30 ये बोलता है रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग आपको अलाउ होगा या नहीं तो देखो ओनर है तो रेंट अलाउ होगा नहीं टेनेंट है तो रेंट अलाउ हो जाएगा रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो ओनर एज वेल एज टेनेंट दोनों को अलाउ होता है लेकिन एक चीज समझना रिपेयर में सिर्फ करंट रिपेयर है तो ही अलाउ होगा अगर आपका कोई भी कैपिटल रिपेयर होता है तो कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होगा ओनली करंट रिपेयर है वो आपको अलाउ हो जाएगा करंट रिपेयर का मतलब रेवेन्यू रिपेयर कैपिटल रिपेयर क्यों भी क्यों अलाउ नहीं होता है? क्योंकि कैपिटल रिपेयर जो होता है वो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाता है अगर टेनेंट ने बिल्डिंग पे कोई भी कैपिटल रिपेयर करवाया तो वो उसके लिए डीम्ड बिल्डिंग मानी जाएगी और टेनेंट उस पर डेप्रिशिएशन क्लेम करेगा उसके बाद सेक्शन थर्टी ज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ द प्लांटेड मशीनरी प्लांटेडीनरी रिपेयर का खर्चा किया तो होता है? अगर आप owner हो तो इंसान अलाउ होगा, हो तो होगा लेकिन इस में rent का जिक्र नहीं किया हुआ सर क्वेश्चन फर्नीचर अगर आपने रेंट पे लिया है तो क्या रेंट भी अलाउ होता है कि भैया डेप्रिशिएशन थर्टी टू इज ऑल अबाउट द डेप्रिशिएशन कब अलाउ होता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन आप असेट के ओनर होने चाहिए और दूसरी कंडीशन वो असेट बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए सर ओनर का मतलब क्या सर रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए या बेनिफिशियल ओनर चलेगा राइट आंसर इज बेनिफिशियल ओनर चलेगा देर इज नो नीड ऑफ रजिस्टर्ड ओनर अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो आप डेप्रिशिए ले सकते हो सर ओनर में क्या किसी भी असेट के हमको हंड्रेड परसेंट ओनर होना चाहिए और सपोज वी आर ओनली द ओनर ऑफ द फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट अट कैन वी क्लेम द आंसर इज यस इवन आप पार्टली ओनर हो किसी भी असेट के तो आप डेप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सर लीज के केस में डेप्रीशिएशन कौन क्लेम करेगा अकाउंट में तो हम ये पढ़ते हैं कि की लीज के, के केस में लेस ही करेगा ऑपरेटिंग लीज के, के केस में लेसर करेगा एक बात बता दो अकाउंट को छोड़ो यहां पर यहां पर इनकम टैक्स में डेप्रिशिएशन इन केस ऑफ द लीज इज ऑलवेज क्लेम बाय द बायसर जो लेसर होता है वो लेसर डेप्रीशिएशन क्लेम करता है वेदर इट इज फाइनेंसिंग लीज और ऑपरेटिंग लीज लेकिन यहां पर एक चीज समझना आप लोग ठीक है लीज के केस में हमेशा जो है है वो है, वो लेसर करेगा क्वेश्चन ही आता है ऐसा क्यों क्योंकि अगर लेसी को डेप्रीशियन दे दिया तो दो दो डिडक्शन ले लेगा एक तो लीज रेंट का डिडक्शन ले लेगा और दूसरा वो क्या करेगा का डिडक्शन ले लेगा दैट्स इन केस ऑफ द लीज इज ऑलवेज क्लेम बाय द लेसर वो लेसर है वो लेसर क्लेम करेगा अब एक और चीज समझना हायर परचेज केस में आप ओनर बनते हो ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट बट यू कैन क्लेम द डेप्रिशिए फ्रॉम बिगनिंग आप पहले से क्लेम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना मैंने आपको बताया असेट जो है वो आपकी यूज होने

सर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है तो मैं आपको बता दू रेट ऑफ डेप्रिशिए मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं डब्लू वाली रेट मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूँ डब्ल्यू वाली रेट तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो रेट ऑफ डेप्रिशिएन क्या है तो देखो सबसे पहले बिल्डिंग के केस में बिल्डिंग के केस में अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जैसे एम्प्लाइज को जो घर देते हैं रहने के लिए एंड ऑल सो इफ इट इज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग द डेप्रिशिए रेट इज 5% अदर बिल्डिंग है देन 10% एंड टेंपरेरी बिल्डिंग है देन 40% टेंपरेरी बिल्डिंग है तो आपको 40% की रेट से डेप्रिशिएशन मिल जाएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में आपको 10% की रेट से डेप्रिशिएशन मिलेगा उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो प्लांटेड मशीनरी में सबसे पहला मोटर व्हीकल अगर वो मोटर व्हीकल नॉर्मली आपके बिजनेस में यूज होता है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक कार है जो बिजनेस में यूज करता है की रेट इज बट अगर मोटर व्हीकल आपका हायरिंग बिजनेस के लिए है अगर मोटर व्हीकल आपका हायरिंग बिजनेस के लिए है तो उस पर आपको जो है वो थर्टी की रेट से डेप्रिशिए मिल जाएगा लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ लास्ट ईयर और अमेंडमेंट यह था कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल आपने ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के बीच में होना, दोनों होना चाहिए तो नॉर्मल जो रेट है वो फिफ्टीन परसेंट की जगह थर्टी परसेंट हो जाएगी और हायरिंग बिजनेस के लिए थर्टी परसेंट है उसकी जगह फोर्टी फाइव परसेंट हो जाएगी मिस यहां पे फिफ्टीन परसेंट की जगह थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट की जगह आपकी फोर्टी फाइव परसेंट लेकिन एक चीज समझना अगर वो कोई भी एस एस सी है आप याद रखना मैंने आपको उस पहले टॉपिक में पढ़ाया था कि अगर कोई भी एस एस सी ए वन वन फाइव बी डबल ए वन वन फाइव बी ए बी वन वन फाइव बी ए सी लेता है तो उसके इसमें मैक्सिमम मैक्सिम की रेट फोर्टी परसेंट ले सकता है वो फोर्टी फाइव परसेंट नहीं ले पाएगा उसके बाद शिप के केस ट्वेंटी परसेंट एयरक्राफ्ट केस में फोर्टी परसेंट कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के केस में फोर्टी परसेंट उसके बाद में जो भी तुम्हारी बुक्स होती है बुक्स के केस के में फोर्ट परसेंट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के केस के में फोर्टी परसेंट और जो विंडमिल्स होती है विंडमिल्स और उसके इक्विपमेंट फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले इंस्टॉल हुए तो फिफ्टीन परसेंट उसके बाद इंस्टॉल हुए तो आप फोर्टी परसेंट की रेट से डेप्रीशिएशन मिल जाएगा ऑयल वेल well के केस में आपको फिफ्टीन परसेंट रेट से डेप्रीशिए मिलेगा और जो भी अदर प्लांट एंड मशीनरी बचा उसके केस में भी आपको 15 की रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा अब एक और चीज समझना जो है वो इनटेंजिबल असेट के, के केस में कौन सी रेट से मिलेगा

पड़ेगा अब एक और चीज समझता डेप्रीशिएशन के लिए मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन कौन सा है तो दो तरह की मेथड होती है डब्ल्यू डीवी मैं आपको बताऊं सिर्फ पावर जनरेटिंग एंड पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट जो होती है पावर जनरेटिंग एंड पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट जो होती है उनके लिए ऑप्शन है कि वो एस एल डब्ल्यूडीवी में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं बट बाकी जितने भी एस है उनको डब्ल्यूडी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा बाकी जितने भी एस है उनको डब्ल्यूडीवी मेथड है वो मैंडेटरी रहेगा लेकिन पावर यूनिट्स के लिए पावर जनरेशन में है या फिर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो लोग एस

करते हैं उनके लिए ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम लगेगा अब आप मुझे बोलोगे ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है

ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम है वो लगेगा अब क्वेश्चन आता है कि सर हम कैलकुलेट कैलकुलेट कैसे करेंगे तो करने के लिए अगर आप ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो कर रहे हो कर रहे हो, लगता है तो, तो बेटा सबसे पहले ले लो ओपनिंग ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो सबसे पहले ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक उसमें आप एड करो एक्चुअल ड्यूरिंग द प्रीवियस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में इस को आप एड कर दो लेकिन हमेशा ध्यान रखना उस परचेज को आप एड करोगे तीन पार्ट में करोगे एक तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज वन डेज और मोर

तो अगर आपने थर्ड अक्टूबर या उससे पहले कोई असेट को पुट टू यूज कर दिया तो आप फुल रेट से डेप्रिशिएशन लोगे बट अगर फोर्थ अक्टूबर या उसके बाद में आपने पुट टू यूज किया फोर्थ अक्टूबर या उसके बाद में आपने पुट टू यूज किया देन यू आर एलिजिबल फॉर द हाफ रेट ऑफ उसके बाद में आप एक काम करो माइनस कर दो मनी पेबल का मतलब होता है कि मनी रिसीवेबल आपको कितना पैसा मिला मनी रिसीवेबल फॉर सेल डिस्कार्ड इंश्योरेंस क्लेम मींस अट को अगर ट्रांसफर कर दिया उससे आपको कितना पैसा मिला कितना मनी मिला उसको आप लेस कर दो और वो लेस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल योर डब्ल्यू फॉर एप्रिशिएशन

क्योंकि हाफ रेट का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उसी ईयर पे लगेगा जिस ईयर में आपने एक्वायर किया और पुट टू यूज किया अगर एक्वायर पुट टू यूज दोनों सेम ईयर में तो ये हाफ रेट वाला कंसेप्ट है वो लगेगा अगर आपने एक्वायर इस साल किया और पुट टू यूज अगले साल किया इवन लेस वन एटी डेज तो भी आपको फुल रेट से है वो आपको मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर कभी भी अमलगमेशन हो जाता है डी मर्जर हो जाता है या सक्सेशन हो जाता है बिजनेस का

कि भैया जब भी ब्लॉक का ब्लॉक का पार्ट है कोई असेट तो कैपिटल गेन दो ही केस में हो सकता है दिमाग लगाना दो ही केस में हो सकता है पहला तो अगर तुम्हारा ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाए भैया जितनी असेट थी वो आपने सब बेच दी, आपने बेच दी दी ऑल आपने ब्लॉक इज सीज टू टू बी एग्जिस्ट ड्यू द ट्रांसफर आपने ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया ब्लॉक में कोई असेट बचा ही नहीं तो उस केस में आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा आदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन इधर देखो अगर मान लो आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो मोर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज है आपका सेल कंसिडरेशन इज मोर देन ओपनिंग डब्ल्यू डीवी प्लस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और इस साल का परचेज उससे ज्यादा है सेल कंसिडरेशन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर मान लो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सेल कंसिडरेशन इज लेस देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा आपका केस कैपिटल गेन में जाएगा आपको डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक हो जाता है जितनी असेट थी सब बिक गई तो ऑब्वियसली आपको कैपिटल गेन में केस जाएगा अगर आपका सेल कंसिडरेशन मोर देन ओपनिंग डब्ल्यू प्लस परचेज तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और अगर मान लो सेल कंसिडरेशन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा लेकिन अगर मान लो आप ब्लॉक में से कुछ असेट बेचते हो आपकी पार्ट असेट ट्रांसफर होती है ब्लॉक में से आप क्या करते हो सम असेट ट्रांसफर करते हो कुछ असेट ट्रांसफर करते हो तो क्या कैपिटल गेन हो सकता है आंसर इज यस एक केस में हो सकता है अगर वो सेल कंसिडरेशन ऑफ सम असेट इज मोर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस परचेज Means आप समेट ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आपको कैपिटल गेन एक ही केस में हो सकता है जब आपका जो सेल कंसिडरेशन ऑफ समट है दैट इज मोर देन ओपनिंग प्लस तो उस केस में आपको कैपिटल गेन हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदरवाइज नॉर्मली आप डेप्रिशिएशन वो डेप्रिशिएशन क्लेम करोगे अब आपका क्वेश्चन यहां पर यह हो सकता है सर डेप्रिशिएबल असेट केस में ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही क्यों होता है क्योंकि एक बात बताओ आपने डेप्रिशिएशन क्लेम किया इतने साल तो डेप्रिशिएशन क्लेम करके आपने अपने बिजनेस की इनकम को कम किया था और बिजनेस की इनकम पे कम किया था तो बिजनेस की इनकम पे टैक्स थर्टी परसेंट रहता है तो आपने टैक्स जो सेव किया थर्टी परसेंट से किया तो अब आप अगर बेचोगे गेन होगा वो भी आपका थर्टी परसेंट से लगेगा दैट्स तो वाई इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इवन वो असेट जो है वो आपने दो तीन चार पांच साल पहले खरीदी हुई है बट वो डेप्रिशिएबल अट है जो ब्लॉक का पार्ट है तो उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा लेकिन ध्यान रखना फॉर द पर्पज ऑफ एक्जेंशन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ईसी एंड ऑल वहां पर अगर कोई असेट दो तीन साल पहले खरीदी हुई है तो यहां होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बट दट असेट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड यू कैन क्लेम द एक्म्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर राजीव शुक्ला का ऐसा एक केस लॉ है नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द एडिशनल डेप्रिशिएशन सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन सर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर किसी को मिलेगा आंसर इज नो यहां हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हर किसी को नहीं मिलेगा सिर्फ चार लोगों को मिलेगा किसको या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या पावर जनरेशन बिजनेस में हो या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में हो या पावर आप लाइक जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो तो मैंने बोला चार लोगों को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पावर जनरेशन बिजनेस पावर ट्रांसमिशन बिजनेस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो तो आप एडिशनल ले सकते हो क्या सर हर सेट पे एडिशनल डेप्रीशिए मिलेगा ना बाबा ना ये सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा मीस बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल अट पे नहीं मिलेगा सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में मिलेगा और प्लांट एंड मशीनरी में भी ध्यान रखना जो ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जो ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जो सेकंड हैंड है उस पर नहीं मिलेगा एज वेल एज द जिसपे ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन आप कहीं ना कहीं पीजीबीपी में क्लेम कर लेते हो उस पर आपको नहीं मिलेगा और जो शिप एयरक्राफ्ट वगैरह है जो आपके व्हीकल्स है उस पर आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बोला एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो ओनली प्लांटेड मशीनरी में मिलेगा सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा जिसपे ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाता है उस पर नहीं मिलेगा एज वेल एज द जो वेहीकल शिप एयरक्राफ्ट है उस पर आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा सर एडिशनल डेप्रिशिएशन की रेट क्या रहेगी ट्वेंटी

अब एक और चीज समझना अगर है, वो क्या, को मिलेगा? का है, तो वो अमाउंट टू द आपका मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा और उसके एडिशनल डेप्रीशियशन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल और वहां पर कोई न्यू प्लांटेड मशीनरी आपने खरीदी है और वो बिजनेस स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2015 के बाद में और अगर आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड और, और इंस्टॉल किया टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक तो आपको एडिशनल है वो डेप्रीशिएसेंट की जगह 35 परसेंट मिल जाएगा लेकिन आप बोलोगे सर वो तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक ही था इस बार आप क्यों पढ़ा रहे हो मेरा सिर्फ पढ़ाने का एक ही रीजन है कि अगर मान लो साढ़े लास्ट ईयर मिला था लास्ट ईयर हो सकता है कि अगर लेस देन वन डेज था तो सेवेंटी लास्ट ईयर मिला था तो सेवेंटी है वो आपको इस साल अलाउ हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर अब एक और चीज समझता है एडिशनल डेप्रिशिएशन आपको तभी मिलता है जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो अगर आप एस एल एम मेथड फॉलो करते हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा ओनली इफ यू फॉलो द डब्ल्यूडीवी तभी आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलता है अदरवाइज आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन नहीं मिलता

क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल तब आप उसको ऐड करोगे अगर सेंडवेट क्रेडिट मिलता है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे उसके बाद में अगर आपने कोई लोन लेके असेट खरीदा है तो जिस दिन आपने लोन लिया था वहां से लेके और जिस दिन अट को एक्चुअली पुट टू यूज किया उस दिन तक से पहले का इंटरेस्ट रहेगा वो आपका कैपिटलाइज होगा और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पी के डेबिट में चला जाएगा पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो आपका कैपिटलाइज होगा और उसके बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा आपके पी एंडल के डेबिट में चला जाएगा अब एक और चीज समझना अगर आपको असेट के अगेंस्ट में कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में से हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे वो एक्चुअल कॉस्ट में से क्या कर देंगे लेस कर देंगे अब एक और चीज समझना अगर कोई भी असेट है वो आप एक्वायर करते हो और उससे रिलेटेड खर्चा करते हो जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर अगर किसी भी सिंगल डे में सिंगल पर्सन को टेन थाउजेंड से ज्यादा का पेमेंट है तो वो आपको अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब में क्या क्या आएगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनी एफ आरटीजीएस आईएमपीएस भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड ये ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं तो आप जो है वो इन्हीं मोड से पेमेंट कर सकते हो अगर दस हजार से ज्यादा का पेमेंट है इन द सिंगल

बट मैंने उसको जो इंस्टॉल करने आया था उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा था ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज वो मैंने कैश में पेमेंट किया क्या वो ट्वेंटी थाउजेंड एड होगा थाउजेंड विल नॉट बी एडेड वो एड नहीं होगा अब एक चीज समझना फोर्टी थ्री वन की कुछ एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एक्चुअल कॉस्ट यहां स्पेसिफिक केसेस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा सबसे पहला अगर कोई असेट ऐसा था जो पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता था कोई असेट ऐसा था जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता था और उस पे आपने डिडक्शन ले लिया था अंडर सेक्शन 35 35 में 100 परसेंट डिडक्शन मिलता है पे करके ठीक है तो उधर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100 परसेंट डिडक्शन ले लिया था पहले वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता था अब आप उसको अपने बिजनेस में लेके आते हो अब आप उसको बिजनेस में लेके आते हो हो सकता है जैसे कोविड का वैक्सीन बना रहे थे वैक्सीन बन गया लेबोरेटरी बन कर दी और अब उसको आपने अपने बिजनेस में ला लिया तो बिजनेस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी मैं बता दू एक्चुअल कॉस्ट है वो निल लेना पड़ेगा जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जितना डिडक्शन आपने ले लिया वहां पे तो हंड्रेड परसेंट मिल जाता तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट निल है तो जब आप ब्लॉक में जोड़ोगे एक्चुअल कॉस्ट निल लोगे

एट में ऐड कर दोगे तो मैंने क्या बोला स्टॉक इन ट्रेड को जब आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी उस स्टॉक की दैट फेयर मार्केट वैल्यू पहले पीजीबीपी में टैक्सेबल हुई और वो पीजीबीपी में जितने पे टैक्सेबल हुई वो फेयर मार्केट वैल्यू आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगी वो तुम्हारे लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलती है कि अगर कोई भी असेट है वो आपको विल में मिलती है इनहेरिटेंस में मिलती है तो उसमें एक्चुअल तो में मिलती है तो एक्चुअल कॉस्ट ओनर माइनस एक्चुअली अलाउड टू हिम एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड ये बोलती है कि अगर कोई भी असेट है वो आप खरीदते हो और वो हाई वैल्यू पे खरीदते हो एंड हाई वैल्यू पे क्यों खरीदते हो बिकॉज योर इंटेंशन इज टू टेक द हायर डेप्रिशिएशन आप हाई वैल्यू पे खरीदते हो जैसे लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को असट बेच देती है हाई वैल्यू पे और योर इंटेंशन इज टू क्लेम द हायर ऑन दैट एक्चुअल कॉस्ट तो उस केस में योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी बाय द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर तो मैंने क्या बोला एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड ये बोलती है कि कोई भी असट है जिसको आप हाई वैल्यू पे खरीदते हो एंड योर इंटेंशन इज टू क्लेम द हायर डेप्रिशिएशन इन दैट केस योर एक्चुअल कॉस्ट विल बी बाय द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर एक्सप्लेनेशन नंबर एक्सप्लेनेशन नंबर कोई भी असट जो तुम्हारी थी लेकिन आपने आपने उसको कर दिया, और आपने उस सेम असेट को बाद में रीअक्वायर किया मीन आपने उस अट को ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद आपने सेम असेट को रीअक्वायर किया थोड़े टाइम बाद तो क्वेश्चन कॉस्ट क्या होगी तो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल जब ट्रांसफर किया था तब डब्ल्यूडीवी क्या थी डब्ल्यू डी एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर जब आपने डब्ल्यू डी किया था और जब आपने ट्रांसफर किया था उस टाइम का डब्ल्यू डी क्या था और री एक्विशन कॉस्ट विच एवर इज लोअर है एक्साम्पल मेरे पास एक असेट थी जिसका डब्ल्यू डीबी वन लैक था मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया टेन लैक में थोड़े टाइम के बाद में मान लो दो चार साल बाद मैंने ट्वेंटी लैख में उसको एक्वायर किया तो वन लैख डब्ल्यू डी और ट्वेंटी लैख री एक्विजिशन कॉस्ट लोअर कम्स टू वन लैख लैक वो आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर फोर है यह बोलती है कि अगर आप कोई असेट को खरीदते हो किसी पर्सन से कोई असेट को खरीदते हो और सेम पर्सन को लीज बैक कर देते हो दैट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन अगर आप कोई असेट को खरीदते हो और उसी पर्सन को आप क्या कर देते हो लीज बैक कर देते हो तो भैया लेसर क्या क्या ना ना, तो अगर आपने कोई असट को एक्वायर किया और वो असट सेम पर्सन को लीज बैक कर दी तो जो सेलर का डब्ल्यूडीवी था दैट विल बी योर एक्चुअल सेलर का डब्ल्यूडीवी था दैट विल द एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव सॉरी फोर ए एक्सप्लेनेशन नंबर फोर सॉरी फाइव ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है जो जो पहले पहले किसी किसी अदर अदर के के लिए लिए यूज यूज होती होती थी थी अब आपने उसको बिजनेस में ला लिया कोई बिल्डिंग है है हो सकता पर्सनल पर्पज या कि, कि, किसी को भाड़े पे वगैरह दिया हो अब आप उसको बिजनेस में ला लेते हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है जो बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट ऑरिजिनली थी जो ओरिजिनली बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस उसमें से आप नोशनल डेप्रीसिएशन को लेस कर दो और नोशनल को रेट लेस uh, करोगे आज की रेट ऑफ डेप्रिशिएशन से जैसे आज की रेट ऑफ डेप्रिशिए बिल्डिंग पे टेन परसेंट है तो टेन परसेंट से आप इतने सालों का नोशनल लेस कर दो जितने साल आपने बिजनेस में यूज नहीं की थी और जो भी बचेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट फॉर द ऑफ बिजनेस उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर सिक्स है सेवन है सेवन ए है वो तीनों सिमिलर एक्सप्लेनेशन है Six ये बोलती है कि भैया अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई भी डेप्रिशिएट ट्रांसफर किया सब्सिडरी ने होल्डिंग को किया अमल कमिशन में ट्रांसफर हुई या डीमर्जर में ट्रांसफर हुई तो आगे वाले पर्सन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी तो मैं बता दूं जो भी ट्रांसफर कंपनी का डब्ल्यूडीवी रहेगा वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी जो ट्रांसफर कंपनी का डब्ल्यूडीवी था वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी और अगर वो असेट इसी साल आपने एक्वायर की हुई है उसने तो जितने में एक्वायर की थी वही आपकी एज इट इज एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी अब एक और चीज समझना अगर आपने लोन लेके असेट को एक्वायर किया है

गर्ण्ट या गवर्नमेंट सब्सिडी है उसका क्या होगा तो गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी अगर असेट से रिलेटेड है तो आप क्या करोगे असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना यहां पर बहुत बार सब्सिडी डायरेक्ट असेट से रिलेटेड होती है लेकिन बहुत बार प्रोजेक्ट रिलेटेड सब्सिडी मिलती है जैसे आई कैन टे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि आप सौ करोड़ का प्रोजेक्ट डालो हम आपको थर्टी करोड़ का सब्सिडी देंगे तो यहां थर्टी का सब्सिडी है आपने इस साल क्या किया एक दस लाख की असट एक्वायर की टेन लाख की असेट एक्वायर की सो इन टेन लाख की असेट में थर्टी परसेंट so विल बी ऑर गवर्नमेंट ग्रांट सो सेवन लाख विल बी ऑर एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन नंबर इलेवन ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसने इंडिया के बाहर कोई असेट एक्वायर की थी कोई नॉन रेजिडेंट है जिसने इंडिया के बाहर कोई एसेट एक्वायर की थी वो इंडिया के बाहर उसको यूज करता था आज क्या करता है, उसको इंडिया में के आता है और इंडिया में के लिए एक काम करो डेप्रिशिएशन को लेस करो कि अगर वो इंडिया में यूज करता तो उसको कितना डेप्रिशिएशन मिलता अगर वो इंडिया में यूज करता तो उसको कितना डेप्रिशिएशन मिलता वो लेस कर दो जो बचेगा कॉस्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 12 ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का डी या कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया जैसे पहले बी एस सी एन एस सी एओपी बीवाई हुआ करते थे और वो कंपनी बदल गए तो उस केस में जो एओपी बीवाई की डब्ल्यू डीवी थी वही आज इट इज उस कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी एक्सप्लेनेशन नंबर थर्टीन है वो ये बोलती है कि कोई भी असेट है जिस पे पहले 35 फाइव एडी में डिडक्शन ले लिया है कोई भी असेट है जिस पे आपने 35 फाइव एडी में पहले डिडक्शन ले लिया है स्पेसिफाइड बिजनेस में 100 परसेंट डिडक्शन ले लिया है और आप क्या करते हो उसको या तो अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करते हो आफ्टर एट ईयर्स आठ साल के बाद ट्रांसफर करते हो या फिर आप क्या करते हो जैसे अमलगमेशन में ट्रांसफर होती है या फिर डीमर्जर में ट्रांसफर होती है करके ठीक है या फिर आप किसी को गिफ्ट में दे देते हो या HEO के पार्टीशन में सेक्शन 47 वाले ट्रांजैक्शन या अमलगमेशन डीमर्जर में ट्रांसफर होती है या होल्डिंग टू सब्सिडी सब्सिडी टू होल्डिंग ट्रांसफर होती है और वो वाली असेट जिस पे ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन जो दे रहा है उसने थर्टी फाइव एडी में ले लिया तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट निल होगी

आप डेप्रीशिएशन को ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे आपका हंड्रेड परसेंट बिजनेस है मिस आपको पूरा डेप्रीशियन कैलकुलेट करना है और पूरा पी डेप्रिशिएल के डेबिट में डालना है और जितना पी एंडल के डेबिट में डाला वो मान लिया जाएगा इट इज एक्चुअली अलाउड एक्चुअली अलाउड ये मान लिया जाएगा एक्चुअली अलाउड और ब्लॉक में से पूरा जो आपने पी एंडल के डेबिट में डाला है वो लेस हो जाएगा मिस को आपको फोर्टी सिक्सटी करने की जरूरत नहीं है डेप्रीशियशन पूरा डालो वहां पी एंडल के डेबिट में और लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा उसको फोर्टी सिक्सटी करो और डेप्रिशिएशन जितना पी एंडल के डेबिट में डाला है उतना ब्लॉक से भी आपका लेस हो जाएगा एक्सप्लेनेशन सेवन ऑफ फोर्टी थ्री सिक्स अब एक चीज समझना अगर आप पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग हो और अगर आप एस एल एम मेथड लेते हो अगर आप एस एल एम मेथड लेते हो पावर यूनिट से तो उस केस में आपने आपनेट को सेल कर दिया तो क्या होगा तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर से से कम पे किया, WDV से कम पे पे सेल सेल किया किया लॉस हुआ सीधा के डेबिट में डालो इसको टर्मिनल बोलेंगे डेप्रिशिएूडीवी से ज्यादा पे सेल किया लेकिन कॉस्ट से ज्यादा नहीं है डब्ल्यू डीवी से ज्यादा पे सेल किया बट कॉस्ट से ज्यादा नहीं है तो पीएनडल के डेबिट में डालो दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज और इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीचीबीपी ड्यू टू सेक्शन फोर्टी वन मैंने क्या बोला डब्ल्यूडीवी से कम पे सेल किया लॉस हुआ पीएनडल के डेबिट में डालो टर्मिनल डेप्रिशिएशन डब्ल्यू डीवी से ज्यादा पे सेल किया पीएनडल के क्रेडिट में डाल दो आप सीधा दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आया तो कॉस्ट से जितना ज्यादा पैसा रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन फिफ्टी ए और वो फिफ्टी ए के हिसाब से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन ये आता है सर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी के केस में क्या होगा तो मैं बता दूं गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट सब्सिडी होती है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस अगर वो बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी भले वो कैपिटल गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी किसीट से रिलेटेड है तो असट की जाएगी असेट से लेस हो जाएगी अदरवाइज वो सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी लेकिन एक चीज समझता अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला वो किसी भी किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला वो गवर्नमेंट ग्रांट किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को मिला जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने

लव होगा मींस जो भी डेप्रिसिएशन है उसका रिपेयरिंग का खर्चा मींस जो जो असेट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो पार्टली आपको अलाउ होंगे पार्टली आपको डिसअलाउड हो जाएंगे मींस पर्सनल पर्पस के टुवर्ड्स है वो डिसअलाउड हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना डेप्रिसिएशन जो है जितना अलाउ होता है उतना ही ब्लॉक से लेस होगा तो जब आप ब्लॉक में कैलकुलेशन करोगे तो जितना डेप्रीशिएशन डिसअलाउड हुआ जितना डेप्रीशिएशन डिसअलाउड हुआ वो तुम्हारे ब्लॉक में से लेस नहीं होगा जितना डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड होता है वही तुम्हारे ब्लॉक में से लेस होगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलो सब लोग एक बार पानी पी लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेप्रीशिएशन यहां कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट सेक्शन इज थर्टी थ्री ए बी एंड थर्टी थ्री एबी है थर्टी थ्री ए बी ये बोलती है कि अगर कोई भी एस एस सी है ऑल एस एससी के लिए पहली चीज तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी एस एस सी है वो ग्रोइंग एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ टी कॉफी और रबर में एंगेज है इंडिया में ग्रोइंग एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबड़ में एंगेज है तो उसको एक डिडक्शन मिलता है उसको करना क्या है नाबार्ड में एक अकाउंट खुलवाना है और उसमें स्पेशल रिजर्व में पैसा डालना है तो अगर कोई भी एस एस सी है जो टी कॉफी और रब्बर मैन्युफेक्चरिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस में एंगेज है उसको नाबार्ड में अकाउंट खुलवाना है उसमें पैसा डालना डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन सर क्वेश्चन ही आता है कि वो पैसा नाबार्ड में कब तक डालना है तो नाबार्ड में पैसा डालने का टाइम लिमिट रहेगा दैट इज सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर मैंने क्या बोला कि सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और अप टू द डेट ऑफ ऑफ द द ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग एवर इज अर्लियर वाला टाइम रहेगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा नाबार्ड में पैसा है वो डलवाना पड़ेगा मैं सिंपली मैं बता दू थर्टी सेप्टेंबर तक आपको पैसा है वो नाबार्ड में डलवाना पड़ेगा अब एक चीज समझना क्वेश्चन आता है कि डिडक्शन कितना लेना पड़ेगा डिडक्शन कितना मिलेगा तो डिडक्शन मिलेगा जितना आपने पैसा डाला जितना आपने पैसा डिपॉजिट करवाया या फिर आपका पीजीबीपी का 40 परसेंट जितना पैसा डिपॉजिट करवाया पीजीबीपी का 40 परसेंट एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा और यहां पीजीबीपी का मतलब आपका बिजनेस का इनकम बिफोर क्लेमिंग दिस पर्टिकुलर डिडक्शन डिडक्शन ये लेने से पहले आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दो ये डिडक्शन लेने से पहले आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दो उसका आपको फोर्टी लेना है अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पैसा यूज कहां पर करना पड़ेगा तो ये पैसा यूज करना पड़ेगा आपको जो टी कॉफी रबर बोर्ड ने कुछ प्रिस्क्राइब यूसेज दे रखे उसके लिए आपको यूज

अगर कोई भी एसएससी है वो एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन या प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम इन इंडिया उसके लिए ये डिडक्शन मिलेगा अब क्वेश्चन ये आता है इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें डिडक्शन मिलेगा जितना आपने डिपोजिट करवाया पीजीबीपी इनकम का ट्वेंटी उसमें कितना था फोर्टी इसमें कितना है ट्वेंटी तो ट्वेंटी ऑफ द पीजीबीपी और जितना डिपोजिट करवायाचर इज लो लेकिन डिपोजिट कहां करवाना है SBI में आप साइट रेस्टोरेशन अकाउंट खोलोगे तो में साइट रेस्टोरेशन अकाउंट खोलोगे और प्रीवियस ईयर के एंड तक आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का एंड में 31 मार्च 2021 तक आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आपको डिडक्शन मिल जाएगा और वो पैसा यूज कहां पे करना है जहां पर्पस डिस्क्राइब कर रखे है मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ पर्पज डिसाइड किए हुए उसके लिए आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन जब भी पैसा जिस ईयर में विद्रॉ किया जाता है उस ईयर के एंड तक आपको यूज करना ही पड़ेगा जिस ईयर में विड्रॉ किया जाता है उस ईयर के एंड तक आपको यूज करना पड़ेगा अदरवाइज वो उस ईयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी जैसे आई कैन टेक मार्च को आपने विद्रॉ किया थर्टी फर्स्ट मार्च तक आपको उसको यूज करना पड़ेगा अदरवाइज वो उस साल की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी अब एक और चीज समझना जो भी पैसा आप विद्रॉ करोगे वो जो भी पर्पज टी कॉफी रबर आ, या फिर जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड है उन्होंने जो बोला हुआ है उस पर्पज के लिए आपको यूज करना पड़ेगा

All people just pay attention. अगर मान लो आपने पैसा विड्रॉ किया उस अकाउंट से और विद्रॉ करने के बाद आपने उससे रेवेन्यू खर्चा किया और रेवेन्यू खर्चा सही किया है पर द जो टी कॉफी रबर बोर्ड ने बोला हुआ उसी के लिए क्या रेवेन्यू खर्चा किया आपने और वो सही खर्चा है तो क्वेश्चन नहीं, नहीं है लेकिन तो क्वेश्चन में, में नहीं आएगा क्योंकि जब आपने वो डिपोजिट किया था उस अकाउंट में तब आपने डिडक्शन ले लिया था अब उसी पैसे से आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल के खर्चे में आपका नहीं आएगा अब एक और चीज समझना पैसा विड्रॉ करके अगर आपने कैपिटल खर्चा किया और कैपिटल प्लांटेड मशीनरी वगैरह आपने खरीदी तो क्वेश्चन आता है खरीदी yes, yes, तो खरी और वो सही यूटिलाइजेशन है तो उस केस में भैया आप उस पर डेप्रीशिएशन वगैरह ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना जो भी असट परचेज की जाती है उसको आपको एट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट इज एक्वायर्ड आठ साल में आपने आपको उसको ट्रांसफर नहीं करना आठ साल में आपको ट्रांसफर नहीं करना अगर उस एसेट को आपने आठ साल में ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर करने में जो कैपिटल गेन आएगा वो तो आएगा ही आएगा जितना आपने डिडक्शन पहले लिया था जब आपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था तो डिडक्शन लिया था जितना डिडक्शन लिया था वो इस बार में क्या हो जाएगा आपकी इनकम बन जाएगा और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना इनकम बनाते टाइम ध्यान रखना अगर वो मान लो टी वाला था ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ टी तो उस केस में आपके बिजनेस की इनकम फोर्टी है तो ये विड्रॉल वगैरह जितने भी होंगे उसमें जब बिजनेस की इनकम आएगी वो हमेशा फोर्टी ही रहेगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस लेकिन आठ साल के अंदर अंदर आपने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया लोकल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है या फिर मान लो सक्सेशन हो जाता है फर्म का कंपनी में तो चलेगा अगर ऑल असट एंड लाइबिलिटीज है वो फर्म की कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है सक्सेशन हो जाता है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज समझना सेक्शन ए ए बी बी कौन सा तुम्हारा टी कॉफी रबड़ वाला उस अकाउंट में जो पैसा डाला हुआ था अगर आप वो विड्रॉ करते हो करके ठीक है वो क्या करते हो विद्रॉ करते हो और वो विदड्रॉ हो रहा है अगर आपके बिजनेस के क्लोज होने पर क्लोजर ऑफ द बिजनेस पे तो आपके लिए वो टैक्सेबल है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में है तो टैक्सेबल है लेकिन डेथ ऑफ अस या पार्टीशन ऑफ एच पे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है देन इट इज नॉट टैक्सेबल अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अगर पैसा मिलता है देन देन इट इट इज इज टैक्सेबल टैक्सेबल बट अगर डेथ ऑफ 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 या पार्टीशन लिक्विडेशन कंपनी है नॉट गोइंग टू बी तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा अब एक और चीज समझना आप अगर सेक्शन थर्टी थ्री AB एबी और एबीए का डिडक्शन लेते हो तो आपको अपने ऑडिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी कब तक पता है जो फोर्टी फोर एबी में टाइम लिमिट दे रखी है और फोर्टी फोर एब

इनहाउस रिसर्च करते हो इन हाउस रिसर्च का मतलब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इन हाउस रिसर्च अब इधर देखो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया अगर साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी चल रहा है बिजनेस भी चल रहा है रिसर्च भी चल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलेगा बाकी पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मैंने क्या बोला कोई भी एस है अगर आप रिसर्च कर रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू ंड्रेड पर डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी पे हंड्रेड डिडक्शन बट सर अगर मान लो रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया था बिजनेस चालू था ही नहीं और रिसर्च कर दिया उसका खर्चे का भी डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस मैक्म थ्री द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होंगे मैग्जिम थ्री ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के खर्चे आपको अलाउ होंगे रिसर्च के लेकिन ध्यान रखना रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल का खर्चे का 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में रेवेन्यू में सैलरी एंड मटेरियल और सैलरी में भी परक्यूजिट वाला नहीं बेटा सैलरी एंड मटेरियल के खर्चे पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा बाकी पे आपको नहीं मिलेगा और बेटा कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी वाले जितने भी खर्चे होंगे उस पर आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन है वो मिल जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं ना तो यहां पे एक सेक्शन होती है थर्टी फाइव टू ए बी और थर्टी फाइव टू ए बी बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है और रिसर्च है वो अप्रूव होता है तो लास्ट ईयर तक क्या होता होता था था इसमें अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती थी और रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस तो ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 150 डिडक्शन मिलता था लेकिन इस साल से हंड्रेड हो गया है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा कि अगर कंपनी है मैन्युफेक्चरिंग बिजनेस है रिसर्च अप्रूव है तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अब आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा लैंड को छोड़ के और बिल्डिंग को भी छोड़ के इस सेक्शन में बिल्डिंग को भी एक्सक्लूड किया लेकिन बिल्डिंग पे बेसिकली आपको सेक्शन थर्टी फाइव वन फोर के हिसाब से डिडक्शन मिल जाएगा तो आप हमेशा अभी आप दिमाग में सिर्फ इतना डाल दो देखो साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा करते हो इन हाउस रिसर्च कोई भी एस है कोई भी एस है ठीक है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 परसेंट कैपिटल लैंड को छोड़ के बाकी पे 100 परसेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तीन साल के खर्चे अलाउ होंगे और उसमें रेवेन्यू में सैलरी और मटेरियल पे 100 परसेंट बाकी रेवेन्यू का खर्चा अलाउ नहीं होगा और कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे सब हंड्रेड परसेंट डिडक्शन आपको मिल जाएगा अब एक चीज समझना अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो आउटसाइडर को आप डोनेशन कर रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो भी क्या डिडक्शन मिलता है आंसर इज यस पहली चीज आप डोनेशन किसको दे रहे हो तो अगर आप डोनेशन दे रहे हो राहुल आईसीयू को किसको दे रहे हो राहुल आईसीयू को राहुल आईसीयू का मतलब राहुल मिस रिसर्च एसोसिएशन आई का मतलब इंस्टीट्यूशन सी का मतलब कॉलेज और यू का मतलब यूनिवर्सिटी अगर मान लो राहुल आईसीयू को दैट इज रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको अगर आपने डोनेशन दिया और अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हंड्रेड परसेंट डिडक्शन सोशल स्टेटिस्टिकल के लिए तो भी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन लास्ट ईयर तक यहां वन फिफ्टी परसेंट हुआ करता था बट ना बाबा नाउ इट इज हंड्रेड परसेंट सो साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो भी हंड्रेड परसेंट सोशल स्टेटिस्टिकल के लिए है तो भी हंड्रेड परसेंट अगर किसी आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने दिया आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने दिया तो 100 परसेंट डिडक्शन लास्ट ईयर तक यहां 150 परसेंट होता था बट नाउ इट इज 100 परसेंट और किसी भी इंडियन कंपनी को दिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज है और उसका मेन पर्पज है वो साइंटिफिक रिसर्च करना है तो उस केस में उसमें भी हंड्रेड डिडक्शन तो देखो डोनेशन में तीन पार्ट सबसे पहले डोनेशन दिया किसको अगर आपने डोनेशन दिया किसको रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए हंड्रेड परसेंट थर्टी फाइव वन टू सोशल स्टेटिस्टिकल के लिए हंड्रेड परसेंट थर्टी फाइव वन थ्री आई नेशनल लेबोरेटरी को हंड्रेड परसेंट थर्टी फाइव टू डबल ए एंड इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज है थर्टी फाइव वन टू ए हंड्रेड परसेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर मान लो ये जो सेक्शन अपन ने पढ़ी थी इन हाउस रिसर्च की उसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिलता था लैंड को छोड़ के बट अगर लैंड और बिल्डिंग अगर कंपोजिट अग्रीमेंट में खरीदी है तो उस केस में क्या होगा लैंड की कॉस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलेगा और जो बिल्डिंग वाली कॉस्ट है उस पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना जिस दिन डोनेशन दिया उस दिन वो अप्रूव था क्योंकि यहां पर अप्रूव वालों को देना पड़ता है

तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा तो पहली चीज तो ये कि सर क्वेश्चन ही आता है लाइसेंस तो इंटेंजिबल असेट होती है आंसर इज यस बट जब कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन है तो आप नॉर्मल सेक्शन पे नहीं जाओगे आपको यहां पे डिडक्शन लेना पड़ेगा 35 फाइव एबीबी में और 35 फाइव एबीबी ये बोलती है कि लाइसेंस का जितना भी खर्चा है उसको अमोरटाइज करना पड़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस जैसे लाइसेंस दस साल का है तो आपको दस साल में उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा दस करोड़ का लाइसेंस था दस साल के लिए था तो आपको दस साल में उसका डिडक्शन करोड़ है वो आपको मिल जाएगा द अमोर्टाइजेशन ओवर लाइफ ऑफ द लाइसेंस लेकिन यहां पर मिलेगा जिस ईयर में लाइसेंस फीस एक्चुअली पे की और उस ईयर तक डिडक्शन मिलेगा जिस ईयर में लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो मैंने क्या बोला डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच लाइसेंस फीस इज पेड टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर

बिजनेस तो है ही नहीं और लाइसेंस ले लिया और आपने लाइसेंस फीस भी वे कर दी तो डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंड टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस टिल द ईयर इन विच लाइसेंस विल एक्सपायर यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर आप लाइसेंस को बेच देते हो तो क्या होगा इसमें दो पार्ट लाइसेंस अगर पार्ट सेल किया या फुल सेल किया पहले अपन फुल की बात करते हैं अगर फुल लाइसेंस सेल किया तो सेम वैसा ही होगा जैसा अपने टर्मिनल डेप्रीशियशन बैलेंसिंग चार्ज में देखा था कि अगर लाइसेंस का अनोरटाइज अमाउंट था उससे कम पैसा आया तो पी एंडल के डेबिट में डाल दो सीधा अगर उससे ज्यादा पैसा आया बट कॉस्ट जितना है तो पी एंडल के क्रेडिट में डाल दो और कॉस्ट से भी ज्यादा आया तो कॉस्ट से ज्यादा वाला कैपिटल गेन होगा इट मे बी अ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकिन अगर मान लो ियड ऑफ होल्डिंग ऑफ लाइस और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेप्रिशियबल अटेट होती तो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है यह डेप्रिशियबल अट नहीं है अब एक और चीज समझदा सर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अगर आप मान लो पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर कर दी तो कुछ लाइसेंस ट्रांसफर किया जैसे मान लो एक कंपनी है वोडाफोन उसके पास पूरे महाराष्ट्र का लाइसेंस था महाराष्ट्र में से उन्होंने क्या किया मुंबई का लाइसेंस किसी को ट्रांसफर कर दिया दैट इज कॉल्ड पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर तो पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर अगर आप करते हो तो उस केस में क्या होगा कि भैया जो भी अनोरटाइज अमाउंट बचेगा वो अनअमोराइटाइज अमाउंट क्या सीधा पी एंडल के डेबिट में जाएगा ना बाबा ना जो अनअमोराइटाइज अमाउंट अगर बचता है दैट विल बी अलाउड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस मतलब जितना उस लाइसेंस का लाइफ बचा है उतने लाइफ में वो अलाउ हो जाएगा दिस इज द सेक्शन 35 एबीबी अब एक सेक्शन है 35 एबी है 35 एबी है ये बोलती है कि भैया थर्टी फाइव एबीए यह बोलती है कि अगर मान लो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है तो थर्टी फाइव एबीबी में जाएगा बट टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम का मतलब थ्री जी फोर जी फाइव जी एंड ऑल तो वो थर्टी फाइव एबीए में आएगा ऑल प्रोविजन सेम थर्टी फाइव ए बीबी और थर्टी फाइव एबीए में जितने भी प्रोविजन है वो दोनों के सेम है अब एक चीज समझना अगर कोई भी डी मर्जर या फिर अमलगमेशन हो जाता है डी मर्जर या अमलगमेशन हो जाता है तो बेटा रिमेनिंग लाइसेंस का जो डिडक्शन है वो नई वाली कंपनी को मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद दो सेक्शन थर्टी फाइव ट्रिपल सी एंड थर्टी फाइव सीसीडी थर्टी फाइव ट्रिपल से ये बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में एंगेज है तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा लास्ट ईयर तक यहां पे वन फिफ्टी परसेंट मिला करता था बट नाउ इट इज अंड्रेड परसेंट इस साल से आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे लैंड बिल्डिंग पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसा सीबीडीटी नोटिफिकेशन में बोला हुआ है अब एक और चीज समझना एक सेक्शन और होती है दैट इज द 35 सीसीडी

या तो नया बिजनेस कमेंस करते टाइम या पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन करते टाइम या नया यूनिट सेटअप करते टाइम क्या बोला मैंने या तो नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन करते टाइम या नया यूनिट सेटअप करते टाइम अगर ये तीन इवेंट पे आपने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया तो आपको अलाउ होगा लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है जैसे फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट करवा दी या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई मार्केट सर्वे करवाया इंजीनियरिंग सर्वे एमओ ए का ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग का खर्चा लीगल एक्सपेंसिस या तुम्हारे शेयर डिवेंचर इशू एक्सपेंडिचर या एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी वो तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा अब एक चीज समझना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्या आपको पूरा मिलेगा आंसर एक साथ में नहीं मिलेगा पहली चीज तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की एक लिमिट है कि उससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं होना चाहिए लिमिट क्या है कि जितना आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच एवर इज लोअर री एक्सपेंस शुड नॉट देन फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइव से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन ये भी एक साथ में नहीं होगा इट विल भी अलाउड इन दाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना गाइस यहां पर अगर मान लो इंडियन कंपनी है तो ये 5% परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो अगर इंडियन कंपनी है तो ये 5% का लिमिट लेते टाइम आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ही भी ले सकते हो एक और चीज समझना प्रिलिमरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट एस को मिलेगा अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगा रेजिडेंट इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट तो इंडियन कंपनी एज वेल एज अदर रेजिडेंट एस है उनको प्रिलिमरी एक्सपेंसिस का डिडक्शन मिलता है लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब कोई भी नया बिजनेस आपने चालू किया या जो आपने एक्सटेंशन किया या नया यूनिट सेटअप किया उसके फिक्स में कितना इन्वेस्ट किया मतलब जिस एंड की जो बैलेंस के हिसाब से नया बिजनेस जो चालू किया या जितना एक्सटेंशन किया या नया यूनिट सेटअप किया उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइन शेयर कैपिटल प्लस प्लस डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज समझना यहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो नहीं आएगा ऐसा बर्जर पेंट्स के केस लॉ में बोला हुआ है आपको याद है बर्जर पेंट्स का केस लॉ और उसमें बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम है वो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस अपन नहीं लेते हैं अब एक और चीज समझना जब भी आप ये डिडक्शन लेते हो तो आपको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी और ऑडिट करवानी पड़ेगी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर क्योंकि कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट ऐसे भी मैंडेटरी होती है बाकी को अपने अकाउंट्स है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे और आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू द डेट गिवन अंडर सेक्शन फोर्टी फोर उसके बाद एक सेक्शन है थर्टी फाइव डी डी इज रिलेटेड टू द अल कमिशन डीमर्जेंट नेक्स्ट सेक्शन थर्टी फाइव डी डी थर्टी फाइव डी इज रिलेटेड टू अमल कमिशन डीमर्जर के खर्चे अगर कोई होता है, होता है, तो सर उसके होंगे का डिडक्शन ले सकता है और कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकता और वो डिडक्शन भी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा अब एक और चीज समझना सेक्शन थर्टी फाइव डी डी रिलेटेड टू दी आर एस का खर्चा अगर वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट स्कीम के लिए अगर आप कोई पेमेंट करते हो कंपनसेशन देते हो तो इसका डिडक्शन मिलेगा ऑल एस एस सी को मिलेगा वी आर एस के खर्चे का

यहां पे 35 फाइव डीडी वीआरएस वाला बोलता है कि रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो नई कंपनी को मिल जाएगा लेकिन एक बात समझना 35 फाइव डीडी में ऐसा प्रोविजन नहीं थर्टी फाइव डीडी जो अमल और डीमर्जर के खर्चे वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अमल कमीशन और डीमर्जर होता है तो उस केस में खर्चे का डिडक्शन उसी को मिलेगा जिसने खर्चा किया है उसी को मिलेगा जिसने खर्चा किया तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल खर्चा जो है अगर अमल कमीशन की बात करूं तो हमेशा नई कंपनी को करना चाहिए क्योंकि पुरानी कंपनी ने अगर खर्चा किया तो उस केस में क्या होगा पुरानी कंपनी एक इंस्टॉलमेंट तो ले लेगी बट चार इंस्टॉलमेंट लैप्स हो जाएगी नहीं मिलेगा सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल खर्चा है वो खर्चा नई कंपनी को करना चाहिए अमल कमीशन में बट डी मर्जर में कोई भी खर्चा करेगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर आपका थर्टी फाइव डी 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 एंड डी है वो खत्म हो जाता है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज थर्टी फाइव ए डी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं दैट सेक्शन थर्टी फाइव एडी स्पेसिफाइड बिजनेस अब एक बात समझना यहां पे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100 परसेंट डिडक्शन मिलेगा रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिलने वाला है सर कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है सो टोटल यहां पर फोर्टीन स्पेसिफाइड बिजनेस है सबसे पहला सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द कोल्ड चेन फैसिलिटी दूसरा वेयराउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन या फिर हॉस्पिटल होना चाहिए हंड्रेड बेड और मोर वाला या होटल होना चाहिए टू स्टार और वो कैपेसिटी का या फिर आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया बी कीपिंग बी हनी एंड बी वैक्स वाला बिजनेस कंटेनर डेपो कंटेनर फ्रेट स्टेशन एज वेल एज द वेर हाउसिंग फॉर द सुगर Slurry pipeline for the transportation of iron ore and semiconductor wafer fabrication manufacturing unit and new infrastructure facility in India. ये टोटल फोर्टीन बिजनेस है ये तुम्हारे स्पेसिफाइड बिजनेस माने जाते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस के केस पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हंड्रेड परसेंट के रेट से डिडक्शन मिल जाएगा तो स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन वन इज द कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिश प्रोडक्ट मीट प्रोडक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा वेर हाउसिंग फेसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन हॉस्पिटल होना चाहिए हंड्रेड बेड और मोर वाला होटल होना चाहिए टू स्टार और वो कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया बी कीपिंग बी हनी बी वैक्स वाला बिजनेस कंटेनर डेपो कंटेनर फ्रेड स्टेशन वेराउसिंग फॉर सुगर स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर एंड सेमी कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैन्युफेक्चरिंग यूनिट ये टोटल आपके फोर्टीन बिजनेस है जहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा एक और चीज बता दू ये वाली डिडक्शन है यह ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो यह लो अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जा सकते हो अब यहां पे कुछ है रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए दूसरी कंडीशन इन बिजनेस में जो भी प्लांटेड मशीनरी लगेगा वो प्लांटेड मशीनरी आपका न्यू होना चाहिए सेकंड हैंड नहीं चलेगा बट जितना टोटल प्लांटेड मशीनरी है उसका ट्वेंटी तक सेकेंड हैंड हो सकता है या फिर इंडिया के बाहर से जो इंपोर्ट करोगे इंडिया के बाहर से जो इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी है वो नया ही माना जाएगा फॉर द दर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन तो इंडिया के बाहर से हैंड खरीदोगे वो नया ही माना जाएगा उसके बाद मैं एक और चीज समझता हूं यहां पर मुकेश अंबानी वाला उसके लिए तीन एडिशनल कंडीशन और है पहली कंडीशन ये कि वो बिजनेस सिर्फ इंडियन कंपनी और अ ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी ही कर सकती है दूसरी कंडीशन वो बिजनेस है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए और तीसरी कंडीशन ये है कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जितना भी बोलेगा उतना पाइपलाइन का कैपेसिटी पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन का कैपेसिटी है वो दूसरों को भी यूज बाय द अदर्स होना चाहिए मीन दूसरे लोगों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा अब एक और चीज समझना

लेते हो या नहीं उससे कोई थर्टी एक एक में डिडक्शन लेते हैं एक होटल है जो, जो उदयपुर में जो फोर स्टार होटल है बीस साल पहले का होटल है और वो होटल पे हमने थर्टी फाइव एडी नहीं लिया बट क्वेश्चन मुंबई की होटल का लॉस क्या मैं उदयपुर की होटल के प्रॉफिट से, से कर सकता हूं आंसर क्योंकि वो उदयपुर वाला मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ना आंसर इज यस वो उदयपुर वाला स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर थर्ट एडी बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है तो उसके सामने मैं कर सकता हूं और जो भी लॉस रिमेनिंग रहेगा दैट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप उसको अनलिमिटेड इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा और जो भी रिमेनिंग लॉस होगा वो आप अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अब एक और चीज समझना क्वेश्चन आता है कि सर स्पेसिफाइड बिजनेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिलेगा का ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस बट तीन को छोड़ के गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड तुम्हारा लैंड इस पर डिडक्शन नहीं मिलता मिस लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर डिडक्शन ले लोगे एक और चीज समझना अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को हजार से ज्यादा का आपने पेमेंट किया है तो वो आप कैश में नहीं कर सकते मिस् अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आज में प्रिस्क्राइब उसी से आपको पेमेंट करना पड़ेगा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते तो इन सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया थाउजेंड से ज्यादा है तो वो आपको अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज बी प्रिस्क्राइब उसी से करना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट आउट नॉट यस अब एक और चीज समझना आप लोग ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन अगर कोई असेट है तो जितने में बेचोगे ना सेलिंग प्राइस सीधा पीजीबीपी में होगा भले दस हो। साल पंद्रह साल बीस साल बाद बेच रहे हो ट्वेंटी हो जो सेलिंग प्राइस होगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा अगर उस अट पर थर्टी फाइव में डिडक्शन लिया था अब एक चीज समझना अगर मान लो आप थर्टी फाइव में डिडक्शन लेते हो तो क्या आपको डेप्रीशिए मिलेगा इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है ठीक

हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह है या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है इरिगेशन प्रोजेक्ट है यह सब तुम्हारे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आएगा अब इसमें भी एक कंडीशन ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो बिजनेस है ये इंडियन कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी कर सकती है और ये जो बिजनेस है ये गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए क्या होना चाहिए अप्रूव होना चाहिए और इसको जो अप्रूव करेगा वो कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या एनी अदर गवर्नमेंट बॉडी है उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से रिलेटेड अब एक और चीज समझना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन आपने कोई भी असेट है वो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की तो आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में किसी और बिजनेस में जिसपे थर्टी का डिडक्शन नहीं मिल रहा नहीं कर सकते नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर की तो स्पेसिफाइड तो बिजनेस में जितना पहले डिडक्शन लिया था वो डिडक्शन वापस विद्रॉ हो जाएगा और पीजीबीपी का इनकम बनेगा पीजीबीपी का इनकम कितना बनेगा समझने की कोशिश करना जितना आपने थर्टी एडी में डिडक्शन लिया था

क्योंकि वहां नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में तो हम क्या करेंगे वहां पे भैया डेप्रिशिए मिलेगा तो अब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से एड करेंगे तो पहले आप एक काम करो कि सबसे पहले उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी कितनी असेट की एक्चुअल कॉस्ट थी कितनी वो ले लो

फॉर दिख इंडस्ट्रियल कंपनी सिख इंडस्ट्रियल कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है अब आप मुझे बोलोगे आठ साल के बाद अगर मान लो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा और वहां नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में में जो कोचिंग क्लास में, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे लेंगे पर थर्टीन, पर द द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा कुछ डिडक्शन है, है बड़ा ही सिंपल सिंपल सबसे पहला अगर मान लो एम्प्लॉय के लिए आपने क्या करवाया एम्प्लॉय के लिए अगर मान लो एम्प्लॉय ने हेल्थ पे किया क्या employee, employer को को है है लेकिन पे कि किसी भी मोड में प्रीमियम पे करना है दूसरा अगर मान लो किसी भी बिजनेसमैन ने अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया तो स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया उसका प्रीमियम अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस इट इज अलाउड एज डिडक्शन प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन थर्टी

और 43 भी ये बोलती है कि बोनस एंड कमीशन जो एम्प्लॉय को देते हो वो अलाउ तो होता है बट इट हैज टू बी पेड टू द एम्प्लॉय अपू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मीनस ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा अगर आपने पे नहीं किया तो वो अलाउ नहीं होगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने कोई भी लोन लिया कर चुका हूं अगर कोई भी लोन अट से रिलेटेड तो पुट्टूज तक डेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो उसके बाद का सीधा पीएन के डेबिट में डालो अगर कोई अदर लोन आपने लिया है तो उसमें ध्यान रखना है. अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता बट अगर मान लो वो बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पज के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट अलाउ होता है आंसर इज यस yes. तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए लिया है तो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना अगर लोन आपने लिया है किसी भी शेड्यूल बैंक से या एफ से शेड्यूल बैंक से लिया है या फिर PFI से मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से या यानबीएफसी से तो मैंने क्या बोला देखो अगर आपने लोन लिया है शेड्यूल बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से या एनबीएफसी से तो इंटरेस्ट अलाउ तो होता है लेकिन यहां पर सेक्शन फोर्टी थ्री टांगाती है और फोर्टी थ्री भी यह बोलती है कि अगर आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ही अलाउ होगा अदरवाइज अलाउ नहीं होगा अगर आपने लोन किसी और

कैलेंडर मंथ में डिवाइड करो जीरो कूपन बॉन्ड्स का जो टेन्योर है उसको कैलेंडर मंथ में डिवाइड करो जितने कैलेंडर मंथ आते हैं उतने कैलेंडर मंथ में आपको डिस्काउंट है वो अलाउ हो जाएगा अब यहां पे एक और चीज समझना जब आप कैलेंडर मंथ लेते हो तो किसी भी कैलेंडर मंथ में 15 डेज या उससे ज्यादा है तो उसको आपको पूरा कैलेंडर मंथ कंसिडर करना है बट किसी कैलेंडर मंथ में 15 डेज से कम है तो उस कैलेंडर मंथ को आपको छोड़ देना है मीन किसी कैलेंडर मंथ में 15 डेज या उससे ज्यादा है तो वो कैलेंडर मंथ को लेना है और 15 डेज से कम है तो उस कैलेंडर मंथ को आपको छोड़ देना है तो आपका जो भी टेन्योर रहेगा उतने टेन्योर में आप डिस्काउंट को अमोरटाइज कर दो अलाउ कर दो उसके बाद चलते हैं कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अब एक चीज समझना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यू करता है कहां पे पीएफ वगैरह में तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंड प्रोविडेंट फंड्रूव ग्रेचुअटी लॉ में बोला हुआ है वो कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो देखो बेटा अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के लिए या तो आपका स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप्रूव ग्रेचुटी फंड में अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में यानी लॉ की रिक्वयरमेंट के हिसाब से तो एम्प्लॉयर को अलाव होता है

एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं है. तो उसके मिलेगा yes. कॉन्ट्रीब्यूशन किया और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर जो भी उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और टेन परसेंट ऑफ सैलरी विच एवर लोअर का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा यहां पर भी फोर्टी थ्री टांग अडाईन फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा अदरवाइज अलाउ नहीं होगा अब एक और चीज समझता ऑल पीपल जस्ट अटेंशन अगर एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर अपने पास काट के रखता है एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर अपने पास काट के रखता है ऐसा बहुत बार होता है ना कि जो एम्प्लॉय का कुछ पैसा है जैसे आरपीएफ का पीएफ का ईएसआई का पैसा है वो एम्प्लॉयर अपने पास काट के रखता है तो एम्प्लॉयर को वो जो पैसा जो एम्प्लॉय का काटा है दैट हैजू बी डिपोजिटेड इन दैट फंड ऑफ एम्प्लॉय अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड फंड की ड्यू डेट तक जमा करवाना पड़ेगा वो फंड की ड्यू डेट तक जमा करवाना पड़ेगा अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी तो एम्प्लॉयर ने कोई भी पैसा जो का का के अपने पास रखा है इनकम का, का बन जाएगी नेक्स्ट क्लॉज यह बोलता है कि अगर कोई भी एनिमल्स है वो यूज होता है आपके बिजनेस में बट वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो एनिमल है वो कैपिटल असेट है आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो क्वेश्चन तो पर मिलता नहीं तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेंगे? उसका डिडक्शन आप उस ईयर में लोगे जिस ईयर में वो एनिमल या तो मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच दैट एनिमल इज डाइड और बिकम द परमानेंट यूजलेस उस ईयर में आप डिडक्शन डिडक्शन लोगे लोगे कितना लो जो उसका कॉस्ट ऑफ एनिमल है माइनस स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस स्क्रैप वैल्यू जो भी डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस का आपका डिडक्शन है वो मिल जाएगा अब क्वेश्चन ये आता है डेट्स अलाउ होता है आंसर इज यस आपको बेड डेट्स अलाउ होता है डेट्स में दो पार्ट सर अगर मान लो एक्चुअल बेड डेट्स है तो क्या होगा प्रोविजन फॉर बेट प्रोविजन फॉर बेड इज नॉट अलाउड प्रोविजन फॉर डेट्स अलाउ नहीं होता प्रोविजन फॉर बेटेट्स सिर्फ बैंक्स को अलाउ होता है जो सेक्शन अपन थर्टी ए में पढ़ेंगे बट जो भी तुम्हारा एक्चुअल डेट्स है वो अलाउ होता है लेकिन एक्चुअल डेट्स में भी ध्यान रखना अगर वो डेट्स रिलेटेड टू सेल्स है तो तो अलाउ होगा बट वो रिलेटेड टू लोन है तो अलाउ नहीं होगा डेट्स रिलेटेड टू सेल इज अलाउड डेट्स रिलेटेड टू लोन इज नॉट अलाउड अब एक और चीज समझना लेकिन अगर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस है आपका बिजनेस मनी लैंडिंग का है तो बेड डेट्स रिलेटेड टू लोन है वो भी आपको अलाउ हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना बेड डेट्स क्लेम करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन तो ये कि वो डेट कभी कभी ना कभी आपकी इनकम बनी हो मतलब वो तुम्हारा जो डेट है वो कभी ना कभी तुम्हारी इनकम बनी हो इन सिंपल वर्ड वो सेल से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरी कंडीशन जब भी आप बेड डेट्स क्लेम करते हो तब आपको डेटर को राइट ऑफ मारना पड़ेगा जो डेट है उसको राइट ऑफ मारना पड़ेगा आप प्रोविजन के थ्रू रूट नहीं कर सकते अब एक चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से इनकम बता दी थी ईसीडीएस के हिसाब से इनकम बता दी थी बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकम बताई नहीं थी आईसीडीएस के हिसाब से इनकम बता दी थी बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने इनकम नहीं बताई थी और उसका डेट्स हो गया तो डेट्स हो गया तो क्वेश्चन ही आता है सर राइट right ऑफ तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बुक्स में तो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की थी तो राइट ऑफ कर ही नहीं पाएंगे तो भी क्या डेट्स क्लेम कर सकते हैं आंसर इज यस यहां पर सीबीडीटी बोलती है कि अगर मान लो आपने कोई भी डेट्स लिया था वो सॉरी कोई भी इनकम जो रिकॉग्नाइज की थी वो आईसीडीएस के हिसाब से हो गया, तो उसका कर सकते हो, account, की ही नहीं है, का अगर हो जाता है तो इट इज टैक्सेबल और टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में रिकवर होता है जिस ईयर में वो रिकवर होता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है लेकिन एक चीज समझना जिसने डेट्स क्लेम किया था और जो रिकवर कर रहा है वो दोनों पर्सन सेम होने चाहिए जिसने डेट्स क्लेम किया था और जो डेट्स की रिकवरी कर रहा है वो दोनों पर्सन सेम होने चाहिए अगर वो दोनों पर्सन सेम है तो ही डेट्स की रिकवरी है वो टैक्सेबल होती है और उस ईयर में टैक्सेबल होती है जिस ईयर में आप उसको रिकवर करते हो यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना नेक्स्ट इज अ प्रोविजन फॉर डेट्स फॉर बैंक दो पार्ट अगर इंडियन तो बैंक होगा और फॉरन बैंक है तो क्या होगा अगर मैं पहले बात करता हूं इंडियन बैंक की अगर कोई भी इंडियन बैंक है तो उसको प्रोविजन अलाउ होता है और provision कितना होगा? पता है, of the before this particular deduction. Of the और जो तुम्हारे रूरल एडवांस है उसका टेन परसेंट और तो प्रोविजन अलाउ होगा इंडियन बैंक को कितना पहला 8.5 परसेंट ऑफ द टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन प्लस 10 परसेंट ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस जो रूरल ब्रांचेस ने लोन दिया हुआ उसका 10 ये ये दोनों इतनी एक टोटल जो है ये इंडियन बैंक को प्रोविजन फॉर वेटेट अलाउ होता है लेकिन मैं अगर फॉरन बैंक की बात करूं या फिर तुम्हारा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट फाइनेंशियल स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनबीएफसी जो तुम्हारा फॉरन बैंक एस एफ सी एस आई आईसी है या एनबीएफसी है इनको सिर्फ

कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग का खर्चा किया तो कंपनी को यहां पे डिडक्शन मिलता है कितना मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100 परसेंट बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर आप सिक्योरिटी कॉमोडिटी के ट्रेडिंग बिजनेस में हो आपके लिए सिक्योरिटी और कॉमोडिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उसके इसमें आपको एस और सी है वो आपको अलाउ होता है एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर उसके बाद ट्रांसफर टू द स्पेशल रिजर्व ये ट्रांसफर टू द स्पेशल रिजर्व मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म लोन देती है लॉन्ग टर्म लोन डिडक्शन मतलब मिलता है जितना ट्रांसफर किया फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट जितना अमाउंट ट्रांसफर किया स्पेशल रिजर्व में दूसरा ट्वेंटी परसेंट ऑफ द बिफोर दिस डिडक्शन और तीसरा टू हंड्रेड परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व टू हंड्रेड परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना था स्पेशल रिज़र्व का कोई भी फाइनेंशियल जो लॉन्ग टर्म लोन देती है पांच साल या उससे ज्यादा के लिए तो उस केस में वो स्पेशल रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते तो उनको डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन कितना मिलेगा सबसे पहला अमाउंट ट्रांसफर टू द स्पेशल रिजर्व स्पेशल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया दूसरा ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पीजीबीपी पीजीबीपी मतलब कोर बिजनेस हा पीजीबीपी मीस जो फंडिंग का जो कोर बिजनेस है वो कोर बिजनेस का पीजीबीपी का इनकम उसका ट्वेंटी परसेंट

नहीं आता मार्क टू मार्केट लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस जो है क्या वो अलव होते हैं या नहीं तो मार्क टू मार्केट लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस अगर आईसीडीएस के हिसाब से आते हैं

मैन्मेंट करवाया तो वो अलाउ नहीं होता लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना यहां पे 37 में तो अलाउ नहीं होगा लेकिन उसको डोनेशन मान के और आप 80जीजीबी और जीजीसी में डिडक्शन ले सकते हो जो भी तुम्हारे दिवाली पूजा के एक्सपेंडिचर कस्टमरी एक्सपेंसेस है वो अलाउ हो जाते कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझता सर प्रोविजन यहां अलाउ होते हैं प्रोविजन ऑफ लॉस ऑफ सब्सिडी या प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स एंड ऑल आंसर इज नो प्रोविजन यहां पर अलाउ नहीं होते प्रोविजन प्रोविजन है वो अलाउ नहीं होता है ध्यान रखना आप लोग प्रोविजन सिर्फ एक्सपेंडिचर के प्रोविजन अलाउ होते हैं जो ऑलरेडी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चुका है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो चुका है उसके प्रोविजन अलाउ होते हैं एंड एज वेल एज द जो आईसीडीएस में बोला हुआ है आईसीडीएस टेन में वो वाले प्रोविजन आपको अलाउ हो जाते हैं अब एक और चीज समझना है यहां पे कि सर अगर मान लो शेयर डिवेंचर इश्यू एक्सपेंडिचर है उसका क्या होता है वो अलाउ होते या जैसे शेयर इशू करने पे खर्चा हुआ या डिबेंचर इशू करने पे खर्चा हुआ वो अलाउ होता है या नहीं तो मैं बता दू शेयर और डिवेंचर इशू एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन आपको देखो अगर वो प्रिलिमरी एक्सपेंसिस है तो थर्टी तो फाइव में जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो थर्टी डी में जाएगा लेकिन अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है तो आपको 37 में चेक करना पड़ेगा इसमें मैंने दो बाइफरकेशन करके दे रखा है और ये बहुत सारे केस लो में ऐसा बाइफरकेशन दिया है ब्रुबॉन इंडिया लिमिटेड का एक केस लो है वो ये बोलता है कि अगर मान लो आपने आईपीओ का खर्चा किया एफपीओ का खर्चा किया या राइट इशू का खर्चा किया आईपीओ एफपीओ और राइट इशू का खर्चा इससे आपकी कैपिटल चेंज होगी आईपीओ या एफपीओ या राइट इशू से आपकी कैपिटल बढ़ने वाली है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा नॉट अलाउड बट अगर मान लो आप बायबैक ऑफ शेयर का खर्चा करते हो बोनस शेयर का खर्चा करते हो डिबेंचर लोन से रिलेटेड खर्चे है, तो वो आपको अलाउ हो जाएंगे दैट इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वो revenue expenditure है और आपको अलाउ हो जाएंगे अब एक और चीज समझना बायबैक के 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 केस 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 में 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 बोनस डिबेंचर लोन के के आपका शेयर कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है क्योंकि बायबैक में क्या होता है जितना बायबैक करते हैं उतना का उतना सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं बोनस में क्या होता है रिजर्व को कैपिटलाइज करते हैं और डिबेंचर और लोन है वो कैपिटल में आता नहीं है तो ये खर्चे रेवेन्यू है आपको अलाउ हो जाएंगे अब एक और चीज समझना

अलाउ होगा या नहीं तो मैं बता दू टैक्स में डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी कस्टम वगैरह है एक्साइज वगैरह है वो आपको अलाउ हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स अलाउ नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ होता है डायरेक्ट टैक्स जब अलाउ नहीं हो रहा तो डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट डायरेक्ट टैक्स का पेनल्टी कोई अलाउ नहीं होगा बट जब इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ हो रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट भी अलाउ होगा इनडायरेक्ट टैक्स का पेनल्टी अलाउ नहीं होगा मैं बताऊं पेनल्टी तो आपको कोई भी अलाउ हो नहीं होगा लेकिन एक चीज समझना पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ है तो अलाउ नहीं होता पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउ हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नेचर का है तो पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उस केस में पे वो पेनल्टी आपको अलाउ हो जाता है अगर मान लो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी फ्रीबीज देती है या फिर मान लो लेबोरेटरी उनको रेफरल कमीशन देता है तो क्या लेबोरेटरी को ये अलाउ होगा या फार्मास्यूटिकल कंपनी को अलाउ होगा आंसर इज नो ये इन एक्सपेंडिचर है एज पर द वेरियस केस लॉ उसमें कैप्सकन लेबोरेटरी का एक केस लॉ है वो बोलता है कि भैया ये सब अलाउ नहीं होगा बिकॉज ये इनलीगल इनकम है उनके लिए तो आपके लिए इन खर्चा और इन खर्चा अलाउ नहीं होता है उसके बाद में अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के नाम पे कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी ली और कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर प्रीमियम है तो वो अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 40 और सेक्शन 40 ये बोलती है कुछ खर्चे ऐसे जो स्पेसिफिकली आपको डिसअलाउड हो जाएंगे कुछ खर्चे ऐसे जो स्पेसिफिकली आपको डिसअलाउड होंगे आपको ये अलाउ नहीं होंगे सबसे पहले सेक्शन 40 का क्लॉज नंबर ए सब क्लॉज वो ये बोलता है कि किसी भी नॉन रेजिडेंट को अगर आपने पेमेंट किया या अकाउंट क्रेडिट किया किसका नॉन रेजिडेंट का नॉन रेजिडेंट को कुछ पेमेंट किया या नॉन रेजिडेंट का अकाउंट क्रेडिट किया और उस पर टीडीएस काटना था अगर आपने टीडीएस इस साल नहीं काटा अगर आपने टीडीएस इस साल नहीं काटा या टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो हंड्रेड परसेंट खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा मैंने क्या बोला इफ एनी अमाउंट इज पेड और क्रेडिटेड टू द फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट

सेक्शन 40 क्लॉज इस सब क्लॉज है है ये बोलता है कि अगर आप रेजिडेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट करते हो जिस पे टीडीएस काटना था आपने टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो 100 परसेंट की जगह आपका 30 परसेंट खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा 100% की जगह आपका 30% खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा 70% तो भी अलाउ हो जाएगा अब एक चीज समझना अगर आप सब सिक्वेंट ईयर में टीडीएस काटते हो या टीडीएस करंट ईयर में काटा था लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में आपने टीडीएस जमा करवाया तो जितना डिसअलाउड हुआ था हंड्रेड परसेंट या थर्टी परसेंट दैट इन द ईयर इन टीडीएस इज पेड टू द गवर्नमेंट मीन जिस ईयर में आपने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाया उस ईयर में वो थर्टी या हंड्रेड परसेंट जो पहले डिसअलाउड हुआ था उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अब एक और चीज समझना वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इधर देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी या रेजिडेंट को पेमेंट किया आपने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी रेजिडेंट को पेमेंट किया या क्रेडिट किया जिस पे टीडीएस काटना था बट सपोज इफ यू फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस आपने टीडीएस नहीं काटा आपने टीडीएस नहीं काटा आप गलती हो गई आप भूल गए आपने टीडीएस नहीं काटा लेकिन आगे वाला बंदा बड़ा ईमानदार है जो रिसिपेंट है जो पेई है वो बड़ा ईमानदार है उसने क्या किया पता है जो उसको इनकम मिला ना उसने वो इनकम में कंसिडर कर दिया उस पर जो टैक्स आता था उसने टैक्स भर दिया और उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया मैंने क्या बोला भैया आपने पेमेंट किया बट आपने टीडीएस नहीं काटा आपसे गलती हो गई यू फेल्स टू टीडीएस बट दैट पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन दैट पर्सन कंसिडर दैट इनकम इन हिज इनकम दैट पर्सन पेड द टैक्सेस टू गवर्नमेंट ड्यू ऑन दैट इनकम एंड दैट पर्सन फाइल द रिटर्न टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सपोज इफ यू ब्रिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सीए से एक सर्टिफिकेट ला लेते हो आई थिंक फॉर्म नंबर ट्वेंटी ए में होता है तो अगर आप सीए से वो सर्टिफिकेट ला लेते हो तो उस केस में जिस दिन उस बंदे ने पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया ना पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया उस दिन मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया उस दिन यह मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया उस दिन यह मान लिया जाएगा कि आपने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा

और स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है जैसे मुंबई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है टी या बेस्ट की बसेस है तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है अब एक बात समझना स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग से कोई भी रॉयल्टी लेती है या प्रिविलेज फीस लेती है या कोई भी ऐसी फीस लेती है जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से स्टेट गवर्नमेंट ले रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं होगा

टीडीएस की ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं टीडीएस की ड्यू डेट से पहले पहले मिस अगले महीने की सात तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है अगर आपने एक दिन भी डिले कर दिया अगर आपने एक दिन भी डिले कर दिया और वो टीडीएस अगर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया टीडीएस नहीं काटा तो वो सैलरी का खर्चा आपका डिस अलाउड हो जाएगा और डिस अलाउड हुआ वो कभी भी अलाउड नहीं होगा करके ठीक है इतना हार्श प्रोविजन है यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है यहां पे नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सेक्शन फोर्टी क्लॉज सब क्लॉज फाइव ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स खुद भरता है एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उसका टैक्स बोलता है मैं खुद भरता हूं कौन एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर को वो नॉन मॉनेटरी परक्यूज का टैक्स पी एंडल के डेबिट में डालने को नहीं मिलेगा वो डिस अलाउड हो जाएगा क्योंकि नॉन मॉनेटरी परक्यूज पे जो टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पे किया दैट इज एक्सम्ड इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन टेन टेन सीसी तो जब टेन सीसी में एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम तो एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा इट इज नॉट अलाउड टू द एम्प्लॉयर उसके बाद सेक्शन फोर्टी सब फोर्टी ए सब सेक्शन टू ये बोलती है कि अगर आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसको रीजनेबल अनबल कर सकता है रीजनेबल विल बी अलाउड बट अनबल डिस अलाउड हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन ये आता है रिलेटिव का मतलब क्या है तो अगर असेस्सी इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव होंगे स्पाउस मदर फादर ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट स्पाउस मदर फादर ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट अगर कोई भी एच है तो एच के रिलेटिव कौन होंगे मेंबर एंड देयर रिलेटिव अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके पार्टनर एंड देयर रिलेटिव अगर कंपनी है तो डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव एओपीबीआई है तो मेंबर एंड देयर रिलेटिव या फिर एक चीज समझना अगर कोई एस है और उधर भी कोई भी एस पर्सन है मीन दोनों कोई भी पर्सन है अगर इस पहले वाले पर्सन का दूसरे के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है खुद का या रिलेटिव का मिलके या दूसरे वाले पर्सन का पहले वाले पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इंटरेस्ट है का मेंसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और ट्वेंटी परसेंट और मोर का पीएसआर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो ये दोनों पार्टी आपस में क्या मानी जाएगी रिलेटिव मानी जाएगी उसके बाद में अगर कोई भी एक होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग सब्सिडरी तो रिलेटिव हुई बिकॉज उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी आपस में क्या मानी जाएगी रिलेटिव मानी जाएगी उसके बाद सेक्शन फोर्टी ये बोलता है कि अगर किसी भी सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कोई भी खर्चे का पेमेंट करते हो दस हजार से ज्यादा का तो वो आपको अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करना है आप कैश में नहीं कर सकते अगर आपने कैश में सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट कर दिया दस से ज्यादा का तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होता है लेकिन एक चीज समझना अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो ये लिमिट टेन की जगह थर्टी हो जाएगी आपने अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया तो ये लिमिट है वो टेन थाउजेंड की जगह आपकी थर्टी फाइव थाउजेंड वो हो जाएगी क्या क्रॉस चेक से पेमेंट कर सकते हैं आंसर इज नो अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा अब एक चीज समझना इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है यहां पर आप कैश में पेमेंट कर सकते हो या तो आप पेमेंट कर रहे हो किसको आरबीआई को कर रहे हो एलआईसी को कर रहे हो बैंक को कर रहे हो गवर्नमेंट को कर रहे हो तो आरबीआई एलईसी बैंक गवर्नमेंट को कर रहे हो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं या फिर आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह से कर रहे हो भीम यूपीआई से क्यूआर कोड से कर रहे हो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं या फिर बुक्स एडजस्टमेंट करते हो बुक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपके लाख मांगता हूं आप मेरे लाख मांगते हो मैं आपके पंद्रह लाख मांगता हूं आप मेरे दस लाख मांगते हो हम दस लाख को एडजस्ट कर देते है, करके ठीक है? चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप पेमेंट करते हो किसी भी प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फिश प्रोडक्ट मीट प्रोडक्ट या एनिमल्स वगैरह या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो चलेगा जैसे किसान से आपने गेहूं खरीदे दो लाख का कैश में पेमेंट किया चलेगा फिशरमैन से आपने फिश खरीदी दो लाख के कैश में पेमेंट किया चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप बिग बाजार जाके गेहूं खरीदते हो और कैश में पेमेंट करते हो क्या चलेगा आंसर इज नो ये आपका नहीं चलेगा अब एक और चीज समझना एम्प्लॉय को अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट देते हो अगर आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देते हो तो रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में ये लिमिट पचास हजार तक हो जाएगी पचास हजार तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हो अब एक और चीज समझना अगर आपका एम्प्लॉय है वो किसी अपनी नॉर्मल ड्यूटी की जगह किसी और प्लेस पर आप उसको डेपुटेशन पे भेजते हो किसी और प्लेस पर भेजते हो पंद्रह दिन या उससे ज्यादा के लिए और वहां पर उसके पास बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जैसे शिप पे वगैरह जो लोग जाते हैं उस केस में आप कैश में सैलरी का पेमेंट करोगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना पेमेंट किसी ऐसी जगह करते हो जहां बैंक अवेलेबल ही नहीं है तो चलेगा अब एक और चीज समझना अगर आप पेमेंट करते हो किसी भी एजेंट को अपने एजेंट को और एजेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश टू द अदर पर्सन मतलब एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना है जैसे एजेंट को आपने कहीं पे गेहूं खरीदने भेजा या कहीं पे फूड ग्रेन खरीदने के लिए भेजना किसान से फार्मर से फार्मर फार्मर तो एजेंट को फार्मर को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा तो आप एजेंट को कैश में पेमेंट करोगे तो चलेगा जो भी मनी चेंजर के बिजनेस में एंगेज है वो अगर किसी को कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा अब एक और चीज समझना लास्ट ईयर यहां पर था कि पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द डे ऑन विच बैंक आर क्लोज

जो खर्चा ड्यू हो चुका है उसका प्रोविजन है वो आपको अलाउ हो जाएगा जैसे इस साल मान लो दस एम्प्लॉई है वो रिटायर हुए तो उनका ग्रेजुटी तो ड्यू हो चुका है तो उसका प्रोविजन आपने है, बनाया वो अलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद सेक्शन फोर्टी थ्री बी ये बोलती है दैट इज टांगाने वाली सेक्शन ये सेक्शन बोलती है कि पांच छह चीजें ऐसी है जहां पे आपको खर्चा अलाउ तभी होगा जब आपको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग यू हैव टू पे द एक्चुअल पेमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मिस ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आपको एक्चुअल में पेमेंट किया तो ही ये खर्चा अलाउ होगा अदरवाइज आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा सबसे पहला एनी टैक्स ड्यूटी और सेस टैक्स ड्यूटी और सेस कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स वाला तो यह जो खर्चा है यह आपको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अदरवाइज अलाउ नहीं होगा दूसरा अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें या तो स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप्रूव ग्रेजुअटी फंड में अप्रूव सुपर एनुमशन फंड में या न्यू पेंशन स्कीम में या एनी अदर फंड जो लॉ का रिक्वायरमेंट था उसमें अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो तीसरा बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉय चौथा अगर मान लो एम्प्लॉय का लीव सैलरी है तो लीव सैलरी का पेमेंट पांचवा अगर आपने लोन लिया हुआ है किससे शेड्यूल बैंक से पी से एस से एस से, से या एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया हुआ है किससे या तो शेड्यूल बैंक से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से तो उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो अगर आपने एक्चुअल में पे किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ही अलाउ है इस साल अदरवाइज इस साल अलाउ नहीं होगा या फिर आपने रेलवे का कोई असेट यूज किया और रेलवे की असट यूज करने से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट है तो वो पेमेंट तभी अलाउ होगा जब आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अब एक चीज समझना अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग उसका पेमेंट कर देते हो तो तो वो इस साल में डिडक्शन मिलेगा और अगर मान लो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने इस साल पेमेंट नहीं किया तो फिर उसका डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में आप एक्चुअली पे करते हो यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना फोर्टी थ्री बी इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यहां फोर्टी थ्री सीबी ये बोलती है 43 थ्री सीबी सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपका कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे पीओसीएम पीओसीएम बेसिस बेसिस पे का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मींस आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करोगे और पीओसीएम बेसिस पे आप क्या करोगे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे लेकिन यहां पे एक चीज समझना दो एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ड्यूरेशन 90 डेज से ज्यादा का नहीं है जैसे हमारा फास्ट ट्रैक बैच होता है क्रैश कोर्स होता है वो मान लो मैं क्रैश कोर्स लेता हूं मुंबई में और वो क्रैश कोर्स है वो 20 डेज का है और वो मैंने स्टार्ट किया फॉर एन एग्जांपल ट्वेंटी मार्च से और वो मान लो अप्रैल में जाके 15 अप्रैल तक खत्म हो गया दैट इज नॉट मोर देन द 90 डेज तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 90 डेज से ज्यादा का नहीं है तो उस केस में आप उसको रेवेन्यू को रिकोग्इज करोगे उस ईयर में जिस ईयर में वो कंप्लीट हो जाता है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया miss, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उस ईयर में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे एक और चीज समझना अगर मान लो आपका कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और वहां कॉन्ट्रैक्टिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है एक्टिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे तो देखो पहले मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में यू हैव टू फॉलो द मेथड मेथड परसेंटेज ऑफ बट इसके दो एक्सेप्शन कि अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ड्यूरेशन 90 डेज या उससे ज्यादा नहीं है मीन 90 डेज तक ही है 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है और उसके बाद में अगर मान लो इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट ओवर द टाइम ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे इंटरनल ऑडिट वगैरह होती है तो उस केस में क्या करोगे आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे अब एक और चीज समझना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी तुम्हारा रिटेंशन मनी होता है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बनेगा रिटेंशन मनी है वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बनेगा और एक और चीज समझना कि जो भी मान लो आपको कुछ टाइम के लिए आपको कुछ भी लाइक इंटरेस्ट डिविडेंट या कैपिटल गेन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से लेस नहीं होगा मीन इंटरेस्ट डिविडेंट या कैपिटल गेन होता है वो सेपरेटली टैक्सेबल होगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपका सेपरेटली चलेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से आप ये लेस नहीं करोगे उसके बाद सेक्शन फोर्टी थ्री डी ये बोलता है कि भैया अगर मान लो कोई भी बैंक या उसके एनपीए हो जाते हैं तो बैंक के जो एनपीए हो जाते हैं वो एनपीए का इंटरेस्ट कौन से से ईयर में में बैंक रिकॉग्नाइज करेगी तो बड़ी सिंपल सी बात है है दो इवेंट इवेंट जो पहला इवेंट होता है. या तो वो इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है या फिर वो बैंक पीएन के क्रेडिट में डाल देती है तो बैंक वो इंटरेस्ट को पीएन के क्रेडिट में डालती है या जिस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा उस ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट को रिकोग्नाइज करना पड़ेगा तो दैट इंटरेस्ट विल बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच इट इज क्रेडिटेड टू पी एंडल अकाउंट क्रेडिटेड टू दी एंडल अकाउंट क्रेडिटेड टू दी एंडल अकाउंट या फिर वो इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है एवर इज अर्लियर अब एक चीज समझना सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो किसी किसी से गिफ्ट में कोई असैट मिली और वो उसके लिए कैपिटल असेट थी हमारे लिए स्टॉक एंड ट्रेड है मीन उस पर्सन के लिए कैपिटल असेट थी हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो असेट अगर आपको गिफ्ट में मिलती है या एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है करके ठीक है या फिर आपका अमल कमीशन हो जाता है तो मैंने क्या बोला गिफ्ट में मिली अमल कमीशन में मिली एच यूफ का पार्टीशन में मिली और वो असेट आगे वाले के लिए, के लिए कैपिटल अट थी तो उसको सेक्शन फोर्टी सेवन की वजह से कोई टैक्स नहीं लगा बट आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस स्टॉक की कॉस्ट क्या लेंगे स्टॉक की कॉस्ट लेंगे कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मीन स्टॉक की भी कॉस्ट वही होगी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर प्लस इंप्रूवमेंट अगर प्रीवियस ओनर ने कोई करवाया वो और हमने जो इंप्रूवमेंट करवाया सीधा पी एंडल के डेबिट में डाल दो इस पर इंडेक्सेशन वगैरह नहीं होगा बिकॉज इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड अब सेक्शन फोर्टी थ्री ए बोलती है कि अगर आप इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदते हो इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई असेट खरीदी या तो सप्लायर क्रेडिट पे मीन बाहर वाले बंदे से खरीदी है उसने क्रेडिट दिया है या फिर आपने इंडिया के बाहर से फॉरेन करेंसी लोन लेके असेट खरीदी बाहर से ही मैंने क्या बोला दो चीज इंडिया के बाहर से असेट खरीदी इंडिया के बाहर से असेट खरीदी किस पे या तो सप्लायर क्रेडिट पे या इंडिया के बाहर से लोन लेके असेट खरीदी और जब भी आप उस क्रेडिट का पेमेंट करोगे मीन सप्लायर क्रेडिट का पेमेंट करोगे या फिर जो लोन लिया था फॉरेन करेंसी उसका पेमेंट करोगे और पेमेंट के टाइम पे अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस होता है पेमेंट के टाइम पे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस होता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस थर्टी मार्च को नहीं पेमेंट के टाइम पे दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद द ब्लॉक ऑफ असेट अगर लॉस हुआ तो ऐड कर दो और अगर गेन हुआ तो आप ब्लॉक में से क्या कर दो लेस कर दो अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने उसके लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो भी तुम्हारा लॉस होगा जो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस होगा वो लॉस भी आपका लॉस या गेन होगा वो भी आपको ब्लॉक के साथ में एडजस्ट

िटी को डेबिट में डाल रखा है मिस खर्चे का आपने ले लिया था और अब या तो उसका रिटर्न हो जाता है उसका रिफंड हो जाता है या फिर वो लाइबिलिटी आपकी सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है वो लाइबिलिटी रहती नहीं तो जितने का आपने डिडक्शन लिया था और जितना वो रिफंड हुआ या सीज टू एग्जिस्ट हुआ वो आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जांपल मैंने जीएसटी पे किया था और आगे जाके मान लो मुझे रिटर्न मिल गया जीएसटी तो वो जीएसटी वापस पीजीबीपी की इनकम बनेगा या मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पीएनडल के डेबिट में डाल दिया था तो मैंने आउटस्टैंडिंग भी था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पीएनडल के डेबिट में डाल दिया था बट कल उठ के क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई सीएम आया और उसने माफ कर दिया बिल ही तो बिल माफ कर दिया मतलब मेरा जो ट्रेडिंग लाइबिलिटी था वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया तो सीज टू एग्जिस्ट हो गया तो उस केस में बेटा जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ किया वो मेरे लिए वापस से पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा अब एक और चीज समझना अगर यहां पे आपका वर्किंग कैपिटल लोन का वेव होता है तो वो भी सेक्शन फोर्टी वन में आएगा तो वर्किंग कैपिटल के प्रिंसिपल अमाउंट का होगा देन लग जाएगा लेकिन इंटरेस्ट के वेव पे फोर्टी वन नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं हुआ था बिकॉज फोर्टी थ्री बी टांगाती थी और फोर्टी थ्री बी ये बोलती है इंटरेस्ट पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा और जब आउटस्टैंडिंग था तो अलाउ हुआ ही नहीं था तो अलाउ हुआ ही नहीं था तो फोर्टी नहीं लगेगी सेक्शन 413 इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अट अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च की असट आपने बेच दी दो पार्ट पहले तो आपने बिजनेस में लाके बेची या फिर आपने डायरेक्ट लेबोरेटरी से बेच दी अगर आप बिजनेस में लाते हो तो पहले ब्लॉक में ऐड करेंगे और एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन थ्री वन बोलती थी निल वैल्यू से एड करेंगे और फिर अगर आप बेचते हो तो वो फिर ब्लॉक का पार्ट बन गया फिर वो फुल ब्लॉक पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर सेक्शन फिफ्टी लग जाएगा लेकिन अगर आप लेबोरेटरी से डायरेक्ट बेच देते हो आप क्या करते हो लेबोरेटरी से डायरेक्ट असेट बेच देते हो जो असेट है वो डायरेक्टली आपने लेबोरेटरी से बेच दिया तो उस केस में क्या होगा जो भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा या डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 फाइव विच एवर इज लोअर है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा मैंने क्या बोला सेलिंग प्राइस और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35, फाइव विच एवर इज लोअर है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो यहां पर कैपिटल गेन भी होगा उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज फोर डबल ए फोर्टी फोर डबल ए रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स बुक्स ऑफ किसको बनानी पड़ती है किसको नहीं बनानी पड़ती तो मैं अगर आपको बोलू जो प्रोफेशनल्स लोग हैं प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंटीरियर डेकोरेटर है लीगल है मेडिकल है फिल्म आर्टिस्ट है इंजीनियर है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी है तो जो भी तुम्हारे प्रोफेशनल्स रहते हैं उसमें दो पार्ट अगर प्रोफेशनल का लास्ट के तीनों सालों का लास्ट के तीनों सालों का ग्रॉस रिसिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो इस साल उनको स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ेगी और स्पेसिफाइड बुक में क्या आता है तुमको कैश बुक बनानी पड़ेगी लेटर बनानी पड़ेगी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी कार्बन कॉपी ऑफ बिल रखना पड़ेगा ट्वेंटी है तो ओरिजिनल बिल रखना पड़ेगा पचास रुपए से ज्यादा है तो और मेडिकल प्रोफेशनल है उसके लिए डेली का कैश केस रजिस्टर और मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर वो भी बनाना पड़ेगा मिस आपको स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ेगी अगर लास्ट के तीनों सालों का ग्रॉस रिजल्ट एक से ज्यादा है प्रोफेशनल केस में अगर मान लो वो नहीं है तो फिर आप कोई भी ऐसी बुक बना दो जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कर सके लेकिन जो भी बिजनेस वाले होते हैं अदर असेससी होते प्रोफेशनल को छोड़ के उनके लिए बुक्स बनानी है या नहीं बनानी तो उस पर डिपेंड करेगा बनानी है या नहीं बनानी तो देखो अगर लास्ट के तीनों सालों में से किसी भी साल लास्ट के थ्री इयर्स में से एनी प्रीवियस ईयर में किसी भी प्रीवियस ईयर में या तो पीजीबीपी का इनकम है वो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा हो जाता है या फिर लास्ट के तीनों सालों में से किसी भी साल टर्नओवर दस लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको बुक्स बनानी पड़ेगी जिससे कि जरूरत नहीं है बट इंडिविजुअल एच के और टेन लाख की जगह ट्वेंटी हो जाएगा अगर आप बुक्स नहीं बनाते हो तो उस केस में आपको बेटा पेनल्टी लग सकती है और वो पेनल्टी कितनी होगी ट्वेंटी का पेनल्टी लग सकता है

टोटल रिसिट रिसिट मतलब कोई भी रिसिट हो सकता है जैसे कार बेचा तो भी वो रिसिट में तो आएगा पैसा नॉट ओनली बिजनेस रिसिट कोई भी रिसिट आपको ठीक है आपको जो टोटल रिसिट हुई भले कैपिटल असेट बेचने से वो टोटल रिसिट में कैश रिसिट इज अपू फाइव परसेंट एज वेल एज द टोटल पेमेंट जितने पेमेंट हुए उसमें कैश पेमेंट इज अपू फाइव परसेंट अगर ये दोनों कंडीशन सेटिसफाइड होती है मीन टोटल रिसिट में कैश रिसिट इज अपू फाइव परसेंट एंड टोटल पेमेंट में कैश पेमेंट इज फाइव परसेंट तो उस केस में वन करोड़ का लिमिट है वो पांच करोड़ का हो जाएगा वन करोड़ का लिमिट है वो आपका पांच करोड़ का हो जाएगा मीन स्टिल फाइव करोड़ आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझता अगर आप सेक्शन फोर्टी फोर एडी या एडीए मैं जो आठ परसेंट छह परसेंट फिफ्टी परसेंट उससे कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एक्सम्पन से ज्यादा है तो भी आपको ऑडिट करानी पड़ती है या फिर सेक्शन फोर्टी फोर ए फोर्टी फोर बीबी एंड फोर्टी फोर बीबी बी में जाते हो और वहां पर जो लिमिट दे रखी है उससे कम अगर आप प्रॉफिट बताते हो तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी अब एक और चीज समझता ऑडिट कौन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा

अब एक चीज समझना अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो तो उस केस में क्या होगा आपको पेनल्टी लगेगा टू सेवेंटी का और पेनल्टी कितना रहेगा जो भी आपका या है उसका आधा टका so, लग जाएगा अब अपन चालू करते हैं प्रिजमटिव बेसिस टैक्सेशन नेक्स्ट सेक्शन इज फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडी बोलती है कि अगर प्रिजमटिव बेसिस टैक्सेशन छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए

टर्नओवर इज अप टू टू करोड़ तो उनका पीजीबीपी का इनकम कितना बताना है पता टर्न ओवर का एट परसेंट विल बी और पीजीबीपी का इनकम टर्न ओवर का एट परसेंट विल बी और पीजीबीपी का इनकम लेकिन एक बात बताऊं अगर आपका टर्न है वो अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिकंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट उस मोड से अगर रियलाइज हो गया की की से पहले पहले अगर आपका है 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 वो वो हो जाता जाता पैसा आपको मिल जाता है, तो उस केस में आप जगह बता सकते हो तो जैसे फॉर एन एक्साम्पल आपका टर्न ओवर है वो मान लो कैश का है और एटी लैक है वो तुम्हारा अकाउंट पे चेक वाला है तो एटी लैक पे आप सिक्स ले लो और बाकी वाला ट्वेंटी लैख है उस पर आपको एट लेना पड़ेगा अब एक और चीज समझना अगर ये सेक्शन है जिसमें आप बोल रहे हो सर एट परसेंट सिक्स परसेंट आप प्रॉफिट बता सकते हो तो क्या हम चाहे इससे ज्यादा बताना तो ज्यादा बता सकते हो आंसर इज यस ज्यादा बताओगे तो निर्मला सीतारमन जी खुश होगी लेकिन सर क्या हम कम बता सकते हैं आंसर इज यस आप एट परसेंट सिक्स परसेंट से कम भी बता सकते हो लेकिन अगर आप कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एक्समशन तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी अब एक और चीज समझना अगर आप फोर्टी फोर एडी लेते हो तो आपको सेक्शन से थर्टी सेवन के कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते क्या हमको एडवांस टैक्स टैक्स भरना भरना पड़ेगा yes, भरना पड़ेगा आंसर इज यस एडवांस लेकिन एडवांस एडवांस टैक्स टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी दैट इज मार्च को 100 आपको भरना पड़ेगा अब एक और चीज समझना यहां पे कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता आपने अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन लेती है तो पार्टनर को रेम्यूरेशन इंटरेस्ट देती है क्या उसका डिडक्शन मिलेगा आंसर इज नो यहां पे कोई भी खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना यहां पे एक बड़ा ही खतरनाक सी चीज है वो ये बोलती है कि अगर आप 44 फोर एडी इस साल लेते हो अगर आपने फोर्टी एडी लिया तो अगले पांच साल तक आपको फोर्टी एडी लेना पड़ेगा अगर आपने फोर्टी एडी लिया तो अगले पांच साल तक वापस आपको एडी लेना पड़ेगा अगर वो अगले पांच साल में आपने फोर्टी कहीं उसके फिर अगले फाइव ईयर तक आप फोर्टी फोर नहीं ले पाओगे तो मैंने क्या बोला आपने फोर्टी फोर लिया तो उसके अगले फाइव ईयर तक आपको फोर्टी फोर लेना पड़ेगा अगले फाइव ईयर में कहीं पे वायलेशन हुआ आपने एडी नहीं लिया तो जिस ईयर में आपने फोर्टी फोर नहीं लिया उसके अगले स तक आप फोर्टी फोर नहीं ले पाओगे और हर साल का आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा नेक्स्ट सेक्शन फोर एडीज रिलेटेड टू द प्रोफेशनल तो अगर आप प्रोफेशनल में आते हो औरट है, है और आपका पीजीबीपी का इनकम विल बी द्रॉस रिसेट मल्टीप्लाई ग्रॉस रिसेट मल्टीप्लाई बायसेंट क्या फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बता सकते हैं yes. बता कम बताते हो और अगर आपका नेट टैक्सेब इनकम बेसिक एक्सामेशन से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी सेम वैसा का वैसा 30 से 37 के खर्चे वो अलाउ नहीं होंगे आपका एक ही इंस्टॉलमेंट आएगा एडवांस टैक्स का दैट इज मार्च हंड्रेड परसेंट और पार्टनर को रेम्यूनिशन वगैरह अलाउ नहीं होता इसमें वो वाली फालतूगिरी नहीं है फाइव एंड ऑल वो वाला इसमें नहीं है उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज फोर ए इज रिलेटेड टू द दिजर्वटिव टैक्सेशन फॉर द ट्रांसपोर्टर कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आप प्लाइंग हायरिंग और गुड्स कैरिजे के बिजनेस में हो मिस अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आपके पास पूरे साल में किसी भी दिन टेन से ज्यादा व्हीकल नहीं है मैक्सिमम व्हीकल कितने हो सकते हैं टेन

हैवी व्हीकल का मतलब होता है कि जिसका वेट जो है ग्रॉस व्हीकल वेट ट्वेल्व टन से ज्यादा है ट्वेल्व थाउजेंड केजी से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड हैवी व्हीकल तो हैवी व्हीकल के केस में आपका पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इनकम रहेगा वन थाउजेंड रुपीज पर टन वन थाउजेंड रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल है वो आपका इनकम होगा जैसे मान लो एक ट्रक है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है दैट इज द ट्वेंटी टन ट्वेंटी थाउजेंड टन तो उसका वन मंथ का इनकम कितना हुआ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अगर टू मंथ है तो कितना हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड रुपीज सो यहां पर वन थाउजेंड रुपीज पर टन

और इसको लेके सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि अगर मान लो अनलडन वेट तभी लेना है जब ग्रॉस व्हीकल वेट अवेलेबल नहीं है अदरवाइज आपको ग्रॉस व्हीकल वेट है वही आपको लेना है और अदर व्हीकल के केस में आपको टन वन से कोई मतलब नहीं है अगर मान लो ट्वेल्व टन से कम वाला है वो अदर व्हीकल हैवी व्हीकल नहीं है तो उसकी इनकम होगी सेवन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल आपकी इनकम होगी अब एक और चीज समझना अगर कोई व्हीकल आपने परचेज किया लेकिन उस मंथ में पुट टू यूज नहीं हुआ है तो भी क्या उस मंथ की इनकम है वो डीम्ड इनकम में लेनी पड़ेगी आंसर इज यस तो भी आपको लेनी पड़ेगी अगर व्हीकल गैरेज में था दो महीने के लिए और उस टू मंथ में यूज ही नहीं हुआ गैरेज में था रिपेयरिंग में था तो भी क्या उस मंथ की इनकम लेनी पड़ेगी आंसर इज यस अब एक और चीज समझना ये जो सेक्शन है ये ऑल के लिए है भले वो नॉन रेजिडेंट है तो भी ये सेक्शन ले सकता है रेजिडेंट है तो भी ले सकता है इंडिविजुअल कंपनी पार्टनरशिप फ्रॉम कोई भी ये सेक्शन का बेनिफिट है वो ले सकता है अब एक चीज समझना यहां पर इनकम आप निकालोगे बेसिस टैक्सेशन पे अगर इसमें से आपने रेम्यन इन इंटरेस्ट अपने पार्टनर को दिया तो क्या अलाउ होगा आंसर इज यस आप रेमुनरेशन इंटरेस्ट जो अपने पार्टनर को देते हो यहां पे आपको अलाउ होता है इस सेक्शन में अगर आप ये प्रिजम्प्टिव बेसिस से कम इनकम बताते हो तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उसका ऑडिट कराना पड़ेगा अब एक चीज समझता कुछ प्रिजम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन है वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए है कुछ प्रिजम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन की सेक्शन है वो नॉन रेजिडेंट के लिए है इसमें सबसे पहली सेक्शन 44 बी और 44 बी ये बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो शिपिंग बिजनेस में है है वो किस में है? में है तो उसके इनकम जाएगा मेरी, मेरी भी इंडिया में गुड्स वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो वो भाड़ा ले लो और इंडिया के बाहर लोड हुआ उसका भाड़ा इंडिया में मिला मिस्ट इंडिया में मिला उसकी टोटल का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है वो आप पीजीबीपी का इनकम बता दो तो मैंने क्या बोला फोर्टी फोर बी ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में एंगेज है तो उसका पीजीबीपी का इनकम कितना आएगा तो देखो इंडियन पोर्ट पे जो लोड हुआ पैसेंजर या गुड्स वगैरह उसका फ्रेट वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो या फिर बाहर लोड हुआ लेकिन फ्रेट इंडिया में मिला उसकी टोटल का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट विल बी योर पीजीबीपी इनकम एंड फोर्टी फोर बीबीए ये बोलती है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में, में है तो यहां पर सेवन पॉइंट परसेंट हो जाएगा बाकी सब चीजेंट या फाइव परसेंट से कम इनकम बता सकते हैं यह मैंनेडेटरी सेक्शन से आपको इतना इनकम बताना ही पड़ेगा आप इससे कम इनकम नहीं बता सकते हो फोर्टी फोर बी एंड फोर्टी फोर बीबीए में अब एक सेक्शन होती है 44 BB. 44 बीबी बीबी ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो क्या करता है कोई सर्विस देता है ठीक है या फैसिलिटी देता है या फिर प्लांटेड मशीनरी सप्लाई करता है किससे रिलेटेड प्रोस्पेक्टेशन एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल तो अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो क्या करता है कि

फॉरेन कंपनी है जिसका गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट होता है और इंडिया में वो क्या करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रंकी प्रोजेक्ट में Like, uh, काम करती है टंकी प्रोजेक्ट है वो टंकी प्रोजेक्ट में वो लोग काम करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई तो उसका टेन परसेंटेंट उसका, 10 है, वो 10 उसका का इन दोनों में आप अगर जो टेन परसेंट से कम बताते हो तो आप बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी ऑडिट करानी पड़ेगी लेकिन एक चीज ध्यान रखना जो स्टार्टिंग की दो सेक्शन मैंने बताई फोर्टी फोर बी एंड बीबी में उसमें आप सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या फाइव परसेंट से कम

है वो डिडक्शन मिल जाएगा अब एक चीज समझना फोर्टी फोर डी बोलती है कि अगर इंडिया में कोई ब्रांच है और उसको कोई रॉयल्टी इनकम होती है तो रॉयल्टी इनकम पे नॉर्मली बिजनेस

अगर सेकेंड जनवरी को रिलीज होती है सेकंड जनवरी को रिलीज होती है या फर्स्ट जनवरी हाँ सेकंड जनवरी को रिलीज होती है तो आई थिंक 90 डेज होता है सेकेंड या फर्स्ट को ऐसा कोई डेट है ठीक है हाँ तो एक बात समझना अगर सेकंड जनवरी को रिलीज हुई तो यहां पे थर्टी डेज ये मंथ के हो गए

रिलीज नहीं हुई तो आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा लेकिन एक चीज समझना इसका एक सिबिडिटी का सर्कुलर है कि कभी कभी जो एबेंडोन मूवी होती है एबेंडोन मूवी का मतलब क्या होता है कि ऐसी मूविया जो बन रही थी बट बाद में क्या हुआ वो बननी बंद बन हो गई आपने एक गाना सुना है सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी वो एक मूवी थी जिसमें संजय दत्त और सलमान खान थे दस मूवी का नाम था वो मूवी बनी नहीं बीच में ही रह गई थी तो दैट इज कॉल्ड अबेंडोन मूवी तो उसका जो खर्चा कुछ हुआ था क्वेश्चन ही आता है क्या वो खर्चा अलाउ हो जाएगा आंसर इज यस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और वो खर्चा आपका अलाउ हो जाएगा दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर यॉपिक पीजीबीपी मैंने ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन पीजीबीपी की वो इस दो घंटे के अंदर अंदर कवर की है समझा पानी भी नहीं पिया एक बार पिया या दो बार पिया ठीक है सो so गाइज बस इस लेक्चर को सुनते रहो जब भी आप इधर उधर घूमते हो इधर उधर जा रहे हो खेल रहे हो सब्जी लेने जा रहे हो खाना खा रहे हो ईयरफोन डाल देने का और आपके लिए ये समझने का कि मैं ही हूँ जो आपको सुनना है तो आप सुनते जाओ आपको प्रोविजन याद रहते जाएंगे और जब आप क्वेश्चन करोगे आपकी सब चीजें है वो क्लियर होती जाएगी एंड भैया अब जो है वो आपको पढ़ाई पर लगना पड़ेगा लास्ट का नो डाउट टाइम बड़ा खराब रहा साल भर जो है वो कोविड सिचुएशन एंड ऑल बट नाउ एवरीथिंग इज स्मूथ सब चीजें चल रही है दुनिया चल रही है सब लोग दौड़ रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं वो बनने की कोशिश में लगे हैं और वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ाई करो और ढंग से पढ़ाई करो मैं आपके साथ में जो लास्ट एग्जाम हुआ था नवंबर 2020 का उसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो हमारे टोटल 56 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने रैंक हासिल की 56 स्टूडेंट जिन्होंने रैंक हासिल की सी फाइनल में और एग्जामेशन इन डी में अगर आपको बात करूं तो 1962 स्टूडेंट ऐसे हैं 1962 स्टूडेंट जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है जिन्होंने एग्जामेशन डी में लाई और वही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ये लेक्चर्स को जब देख रहे हो तो आपको ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है देखो अल्टीमेटली पास होना या नहीं होना यह आपके हाथ में है मैं नहीं करवा सकता मेरा रोल आपकी लाइफ में सिर्फ पांच परसेंट है आपकी सक्सेस में पांच परसेंट है मैं कभी नहीं बोलता मेरी वजह से हुआ नो no. आप अगर पास होंगे तो सिर्फ आप अपनी वजह से होंगे योर रोल इज हंड्रेड नाइनटी फाइव परसेंट माई रोल इज ऑनली फाइव परसेंट सो जस्ट आप पढ़ते रहो एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ आपको जब भी लगता है देखो ऑब्वियसली इंटरनल मोटिवेशन है वो मेन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन आप आजू बाजू में जब लोगों को देखते होंगे जो सीए बने क्या खुशी है उन लोगों के पास में आप देखोगे उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है आप उनसे बात करो कभी कैसे उनको लोग ट्रीट करते हैं कैसे उन लोगों के साथ में लोग बात करते हैं करके ठीक है अपने घर वाले चेंज हो जाते हैं घर वाले जो है घर वालों को अपने देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है और वो तभी होता है जब आपके पास डिग्री आती है और जब आप यहां तक आ ही चुके हो तो फटाफट इस डिग्री को लाके दे दो और कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है इस दुनिया में लोग क्या क्या सोच रहे हैं अगर आप जैसे एलोन मस्क जो बंदा है करके ठीक है उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे उसने स्पेस एक्स करके जो कंपनी बनाई है उसका सपना है कि अलग प्लेनेट पे दुनिया बसानी है हम सोच सकते हैं इतना बड़ा उसने जो रॉकेट बनाया वो रॉकेट यहाँ से जाएगा और वो वहां पे लोगों को छोड़ के और वही वाला रॉकेट स्पेस से वापस आएगा करके ठीक है इतना बड़ा दिमाग लगाया उसने जो कार बनाई वो कार में ड्राइवर नहीं है बिना ड्राइवर के वो कार चलती है शायद मेरे हिसाब से वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सी ए फाइनल वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सी ए फाइनल सो फटाफट इसको कंप्लीट करो लाइफ में लोगों ने बहुत कुछ किया है बहुत आगे अचीव किया है बहुत अलग और बहुत बड़ा किया है करके ठीक है तो फटाफट ये कंप्लीट करो और उसके बाद में हम ऑब्वियसली बड़ा कुछ करने वाले हैं ठीक है थीके? चलो सो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी रिविजन लेक्चर के साथ में थैंक्स अलॉट पीपल